कुछ उपाय बताओ सर। किसका उपाय? तो सर इनकम बढ़ाने का। नो तुम क्या जूम मीटिंग में आते हो? क्या सर। रोज 5 ग्राम दिखाते हो? नहीं सर। क्या आपने अपनी क्वार्टर फीस बनाई है? नो सर। नो सर। और तुम रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हो? मैं कह रहा था सॉरी सर। अब मैं समझ गया हूँ। तुम्हीं क्या समझ गए हो तुम? बताओ क्या इनकम कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? तो सर जब तक मैं ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। अच्छा जी, बड़ी जल्दी समझ गए। देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा और सर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ ये सब मैं आज से ही और अभी से फॉलो करूंगा क्योंकि तो मुझे ये समझ आ गया है जब तक कि मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करूंगा तब तक मेरी इनकम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप इस बिजनेस को सीरियस तरीके से कीजिए, इसको मजाक में लेकर ना कीजिए। क्योंकि तो अगर आप यहाँ पर नेटवर्क में अपना टाइम दे रहे हैं तो उसे बेमतलब ना दें और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करें। और 100% सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, 6000 mAh बैटरी, 50 MP ओएस कैमरा, सैमसंग M30 को एक अच्छा ऑप्शन है। तो यू विल रिमेम्बर दैट फ्लैगशिप डिजाइन, द M34 5G इज गोइंग टू बी द बेस्ट। जो भी होस्ट और को-होस्ट है उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया सेटिंग में कुछ चेंजेस ना करें, क्योंकि जैसे ही हम लोग कंटेंट शेयर करते हैं, पीडीएफ फाइल से व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, तो अनोटेबल किसी के लिए ऑन ना रखें। मैं यहाँ पे सेटिंग में कुछ बदलाव कर देता हूँ, उसको कृपया चेंज मत कीजिएगा कोई। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा सबके लिए। लैपटॉप से कुछ चीज़ें एक्सेस नहीं हो रही हो, तो हम लोग थोड़ा सा और 2 मिनट का वेट करते, ट्राई करता हूँ सिस्टम मेरा जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आज बहुत सारा प्रिपरेशन किया था मैंने और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको लाइव दिखानी थी चीजें, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मिस फंक्शन हो रहा है अभी भी। सर दूसरे को म्यूट कर लीजिए, दूसरे सिस्टम को म्यूट कर लीजिए ताकि लैपटॉप का बंद कर लीजिए म्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। एक बोलिए। मिनट। हम ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लैपटॉप को बंद ही कर देते। ओके माफ कीजिएगा दोस्तों, जैसे थोड़ा सा आज ही जस्ट उसको रिपेयर करके लाया हूँ, लेकिन आज भी वो माल फंक्शन कर रहा है, वो प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है जैसा चाहिए था। बहुत सारी चीजों के बारे में हमें आज मीटिंग में देखना है, बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे हमें एक चीज पता है कि जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है वो कौन से प्रॉब्लम्स है, तो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स ये सब के प्रॉब्लम्स है, जिसमें आता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, राइज इन फ्यूल प्राइजेस, आपका फूड सेक्टर, आपका गैस इलेक्ट्रिसिटी, रेंट्स, पेंशन एंड सेविंग्स, टैक्सेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, EMI एंड होम अप्लायंसेस एंड लोन्स। सो हमारे किसी के भी पास यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन
सिर्फ इन सब चीजों के लिए एक ही सॉल्यूशन है, जो है मनी। और वो मनी पाने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस है, मगर क्या उन बिजनेसेस से या जॉब से या पर्टिकुलर बिजनेस से क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं। लेकिन एक ऐसे अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस हम आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी और एक मार्केट, दोनों मार्केट आप साथ में देख सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल मार्केट का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, वो सिस्टम ने बनाया हुआ है, जिसका नाम है PLC अल्टीमा सिस्टम। सो मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सिर्फ एक मिनट देना। मैं मेरा PDF आज ही मुझे मिला है, वो PDF एक बार ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आज नए PPT से प्रेजेंटेशन पूरा देखने वाले हैं। जब जैसे मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा, मुझे प्लीज अश्विन जी बता देना, सो फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। अश्विनी जी, क्या स्क्रीन शेयर है मेरा? जी सर क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो यस दोस्तों, जैसे हम लोग देख पा रहे कि अल्टीमा प्रेजेंटेशन, सो अल्टीमा इकोसिस्टम का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट जो सेंटर है, जो हार्ट है, वो है अपना अल्टीमा टोकन। और उसी टोकन रिलेटेड, उसी लिए वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, और बहुत सारा 2 दिनों से क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में बहुत सारे चीजों में बदलाव चल रहे हैं। आप आपका बाइनांस का मार्केट देख सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो का मार्केट देख सकते हैं, सब जगह पे आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। उसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, US गवर्नमेंट, और रिपल का जो कुछ पर्टिकुलर केस चल रहा था, वो भी मतलब गवर्नमेंट उसको नहीं कर पाए, और बहुत सारे रेगुलेटरी एक्शंस है उसके लिए, बहुत सारे कंट्रीज एडॉप्ट कर रहे क्रिप्टो के लिए, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो को स्पेकुलेट कर रहे हैं, बिटकॉइन को स्पेकुलेट कर रहे कि ये $1,20,000 तक जा सकता है अगले साल के एंड तक। सो बहुत सारी चीजें क्रिप्टो मार्केट में हो रही है, जो पूरी तरह से पॉजिटिव है। लेकिन साथ ही साथ एक भी क्रिप्टो आज तक ऐसा नहीं बना है जो ट्रेडिंग के अलावा दूसरे कहाँ पे भी किसी भी सेक्टर में उसका यूटिलाइज होता हो। सो यस, अपने पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे अल्टीमा इज अ यूटिलिटी टोकन। तो बैकएंड पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को डिले क्यों हो रहे हैं, क्या कंपनी वक्त पे चीजें क्यों नहीं ला पा रही, तो सबका रीजन एक ही है दोस्तों, कि हम प्योरली IT प्रोजेक्ट है, और IT प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए। जो IT प्रोजेक्ट रहता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, उसके साथ ही उसमें जितने भी अगर बग्स आ गए या फिर कुछ एरर्स आ गए, तो वो एरर सॉल्व करने के लिए उसमें टाइम जाता है। सो कंपनी और क्या क्या चीजें कर रही है, तो कंपनी साथ ही साथ ये बदलाव तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रही है। पार्टनरशिप्स किसके साथ बिल्ड कर रही है, वाउचर कंपनीज के साथ बिल्ड कर रही है, डिफरेंट मर्चेंट्स के साथ बिल्डअप कर रही है, कार डीलरशिप्स के साथ बिल्टअप कर लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के साथ बिल्टअप कर रही है। आप देख सकते हो कि जर्मनी में अमेजोन के वाउचर्स कितना तहलका मच रहे हैं, गैस स्टेशन जो रशिया में है मेगा मार्केट के, वो वहां पे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ऑनलाइन स्टोर्स जो है, जहाँ पे यूरोप कंट्री पूरा बेनिफिट उठा रही है कैशबैक प्रोग्राम का और वाउचर्स का, तो वहां पे बहुत सारा टाइप कंपनी ऑलरेडी बैकएंड पे कर रही है। ये जो कंपनी है, यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे कोई भी नॉन बैंकिंग ROI इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लान हम लोग नहीं बता रहे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन बता रहे, एक सजेशन बता रहे, डिसीजन यहाँ पे सोलोली आपका रहता है। यहाँ पे जो IT प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको उसके तरह से वो जिस तरह से रन करेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, नॉलेज शेयर किया जाता है,
बाकी जो भी डिसीजन है वो आपका सोलोली रहता है, कंपनी का अलग से प्राइवेसी पॉलिसी कंप्लायंस डिपार्टमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम वो एग्रीमेंट खुद साइन करते हैं, डिजिटली सिग्नेचर होता है वो हमारा, जब वो स्क्वेयर बॉक्स पे हम लोग टिक करते हैं, उसके साथ सब लीगल के तरीके से ही कंपनी का काम अभी तक भी चल रहा था और इसके आगे भी उसी तरह से चलता रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सेक्टर से बिजनेस हो गया, रियल इस्टेट हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, जहां पे आप कुछ परसेंटेज पे इनकम कर सकते हो, लेकिन आपको अगर बहुत बड़ा इनकम जनरेट करना है तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढना रहेगा, कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी रहेगी जहां पे एक ही रूफ के अंदर, अंडर वन रूफ ओनली, कि आपको एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए इनकम करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में आपको पैसिव इनकम हो सकता है, एक्टिव इनकम हो सकता है, और उसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में स्पेंड करते हो, उसका रिटर्न भी हो सकता है, उसका मनी सेविंग भी हो सकता है। तो कोई भी दूसरी कंपनी मार्केट में ऐसी नहीं है जहां पे आपको ये तीनों इनकम एक साथ मिले। एक तो आपको एक्टिवली काम करना ही है, आप किसी भी नए कंपनी में जाओ वहां पे आपको एक्टिवली काम करना ही होगा। पैसिव इनकम के लिए बहुत कम कंपनीज मार्केट में है जो सिर्फ 0.5 या 1% डेली का आपको देते हैं, 2-4 महीने देते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। उसके बाद कैशबैक और यूटिलिटी, जैसे मैंने कहा कि आपके स्पेंडिंग्स पे सेविंग कोई भी कंपनी आपको अभी तक नहीं देती है। ठीक है, सो देखो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारा जो मनी का रिवोल्यूशन है वो किस तरह से आया हुआ है, तो बार्टर डील से लेके आप करेंसी का इवोल्यूशन देख सकते हो। क्रिप्टो करेंसी 2009 में मार्केट में आई थी, ये सबको पता है, लेकिन 2009 से 2023 तक एक भी कंपनी ऐसी मार्केट में नहीं आई जो अपना क्रिप्टो करेंसी एक यूटिलिटी तौर पे मार्केट में यूज करा सके, जिससे पेमेंट गेटवे बन सके, जिससे आप किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर सके। तो यस, अल्टीमा टोकन यही मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उस टोकन के माध्यम से आप कोई भी चीज यहाँ पे खरीद सकते हो, और जो भी चीज आप खरीदोगे उसका आप कैशबैक भी ले सकते हो, जो भी चीज आप खरीदोगे उसके ऊपर आप ऑलरेडी डिस्काउंट भी ले सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम मीटिंग में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट पीपीटी के ऊपर। देखिए दोस्तों, अल्टीमा टोकन ये भी प्रोजेक्ट है जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल इतनी बड़ी है कि आपको पता है 50+ ग्लोबल कंपनीज ब्लॉकचेन कंपनीज यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है। बैंकिंग सेक्टर देखोगे आप तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी बैंक्स अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज करने लगी है। सीबीडीसीज आ रहे हैं आपके, सेंट्रलाइज्ड बैंक डिजिटल करेंसीज आ रहे हैं। बहुत सारे जो कंपनीज है वो, बहुत सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर से वो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल पता चल चुका है। आने वाले 5 सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये शायद पूरी दुनिया को पता रहेगा, और उसके सेपरेट कोर्सेस मार्केट में रहेंगे। उसके सेपरेट कोर्सेस को सिर्फ मतलब पूरा करने के लिए एक एक दो दो लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोर्स आ जाएगा। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कॉलेजेस है, जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज है, वहां पे ब्लॉकचेन का एक सेपरेट सब्जेक्ट सिखाया जाता है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन अपने अंदर समा रही है। जैसे समझ लो कि बैंक और फाइनेंस सेक्टर हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर, एनर्जी, रियल इस्टेट, ऐसे बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी जो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी जो क्लाइंट बेस है या जो भी लोग है वो 50 मिलियन के आसपास है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 2023 तक ये नंबर 1 बिलियन का भी जा सकता है। सो सोचिए कि अगर अल्टीमा एक स्ट्रांगली इकोसिस्टम एक उभर के आ रहा है, एक स्ट्रांगली अभी ये न्यू बॉर्न है, देखिए 7 सालों से कंपनी मार्केट में है ये हम सबको पता है, लेकिन अल्टीमा टोकन, स्मार्ट ब्लॉकचेन, ये न्यू बॉर्न है। स्मार्ट ब्लॉकचेन वो इतनी इजी नहीं है किसी भी बड़े ब्लॉकचेन को फॉर्क करके बनाना, लेकिन हमारे डेवलपर्स उसको बना चुके हैं, और उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ा सा वक्त हमें देना रहेगा, लेकिन जैसे ही वो रन हो जाए तो दुनिया की और पावरफुल ब्लॉकचेन में स्मार्ट ब्लॉकचेन का नाम आ जाएगा। कंपनी का मिशन है, सिंपल सा मिशन है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बनानी है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी मार्केट में बनानी है जहां पे हम इकोसिस्टम में उसको यूटिलाइज कर सके, क्रिप्टो स्पेस में वो सबके लिए अवेलेबल हो, उससे कोई भी सिक्योरिटी
सेक्टर में आप पेमेंट कर सके। तो यस दोस्तों, कंपनी 7 साल में मार्केट 7 सालों से मार्केट में है, कंपनी के 3 मिलियन के आसपास यूजर्स है, और कंपनी कंसेप्ट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और मार्केट, ये चारों सेक्टर में खुद को प्रूव कर चुकी है। आप सबको पता है कि यूनिक कंसेप्ट से कंपनी के पास, कंपनी का जो बिजनेस टर्नओवर है वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, कंपनी का जो टर्नओवर है वो मिलियंस ऑफ, मतलब बहुत बड़ा यूरोज में है वो। तो सोचिए कि कितना बड़ा कंपनी का टर्नओवर होगा, क्योंकि 7 सालों का टर्नओवर, कलेक्टिव टर्नओवर है वो। उसके बाद टेक्नोलॉजी, यस ऐसी टेक्नोलॉजीज है, यूनिक टेक्नोलॉजी जो मार्केट में कहीं पे भी नहीं है, और यस प्रूफ ऑफ मार्केट ये ऑलरेडी है। कंपनी के अगर ओनर प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी के टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कार्यरत है उनमें इनका नाम आता है मिस्टर एलेक्स रेनार्ड, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, बिजनेसमैन है, और बहुत बड़ा उनका मैथमेटिशियन, लीगल, और जो भी आईटी सेक्टर, जो डेवलपर्स और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग के फ्रेंड्स सर्कल में, उनके फ्रेंड सर्कल में आते हैं। सो ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी वर्ल्ड के 50+ मैगजीन्स प्लस न्यूज प्लस मीडिया पब्लिकेशंस में उनका नाम ऑलरेडी आ चुका है। अभी रिसेंटली दुबई के जो टॉप 100 लोग है, जो यू मस्ट नो, उनको आप पहचानना चाहोगे, जो डेवलपमेंट को, क्रिप्टो स्पेस को, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को, और मिलियनियर और बिलियनियर है, और उनके साथ अच्छा खासा कम्युनिटी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए उनका नाम बहुत सारे अरब और दुबई के इसमें, यूएई के इसमें आ चुका है मैगजीन्स में। आप अगर इंडिया में भी देखिए तो इंडिया में भी आउटलुक हो गया, यू टुडे हो गया, इंडिया टुडे हो गया, टाइम्स हो गया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में, ट्रिब्यून इंडिया में हो गया, ऑलरेडी आर्टिकल्स एलेक्स सर के बारे में आ चुके हैं। तो प्रोफाइल बहुत बड़ा है, तो कोई भी क्रिप्टो अगर करना रहे तो उसका ओनर प्रोफाइल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलेक्स सर का प्रोफाइल आप सबके सामने जस्ट हमने प्रेजेंट किया है। एलेक्स सर ने वर्ल्ड में एक ऐसा टोकन लॉन्च किया है, एक ऐसी करेंसी लॉन्च की है डिजिटल, जिससे आप थ्री अलग अलग फंक्शनैलिटी में उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको एज अ पेमेंट टूल यूज किया है, मतलब क्या कि जैसे आप INR स्पेंड करते हो, बाकी जगह पे डॉलर चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे धीरम चलता है, उसी तरह से अल्टीमा टोकन वर्ल्ड में चलने वाली एक क्रिप्टो करेंसी है। तो समझ लेना कि इससे आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे वेज है, कैसे वो आगे हम लोग बताएंगे आपको। तो यहाँ पे एक अर्निंग टूल है जहाँ पे आप अल्टीमा टोकन प्रोड्यूस कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो, या फिर उसी से आप डिस्काउंट ले सकते हो। इसको हमने नाम दिया है फार्मिंग। फार्मिंग जो चीज है वो एक यूनिक चीज है। आज तक अपने बहुत सारी माइनिंग सुना रहेगा, ठीक है, लेकिन मिंटिंग ये वर्ड आपने बहुत कम सुना रहेगा, जो स्मार्टफोन के जरिए कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके कॉइन को बनाने की एक प्रक्रिया रहती है। सो अल्टीमा जो टोकन है वो आपको अर्निंग टूल में, फार्मिंग में, और सेलिंग के लिए भी, और डिस्काउंट्स के लिए भी यूज हो जाएगा। और लास्ट सेविंग टूल, मतलब जैसे आप अपना गोल्ड या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी परचेस करके रखते हो, उसका दाम बढ़ने के बाद उसको सेल करते हो, तो उसी तरह से अल्टीमा टोकन को आप एक सेविंग टूल की तरह देख सकते हो, जिसको बाय करके होल्ड कर सकते हो, और जब रेट उसका प्राइस राइज हो जाए उसको आप सेल कर सकते हो। सो तीनों फंक्शनैलिटीज में अल्टीमा टोकन ये अपने आप में एक बेस्ट टोकन है। अगर टोकोनॉमिक्स की बात की जाए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में उसका सप्लाई, उसका लिक्विडिटी, उसका डिमांड, ये चीजें बहुत मायने रखता है। सो अल्टीमा टोकन का टोकोनॉमिक्स आपके सामने है कि 20,000 क्रिप्टो टोकन्स का सप्लाई सिर्फ मार्केट में छोड़ा गया था, लेकिन जैसे ही आज डेन का जो मास्टरमाइंड का मीटिंग हुआ, उनमें वो एलेक्स सर के बहुत क्लोज है, सो उन्होंने कहा है कि 1,500, बट एलेक्स सर ने भी कहा था कि नियर अबाउट ओनली 2,000 टोकन्स ही सर्कुलेट हो रहे, बाकी टोकन्स हो रहे क्यों, अभी फार्मिंग होगी उसकी उसी तरह से। तो सोचिए कि सिर्फ 2,000 टोकन से अभी मार्केट में है और टोकन्स आने वाले हैं, लेकिन 20,000 के बाद कंपनी कोई भी खुद का सप्लाई मार्केट में नहीं लाने वाली। सो जितना भी आप फार्मिंग से प्रोड्यूस करोगे, कंपनी ने एक मैक्स सप्लाई डिसाइड किया हुआ है जो रहेगा 10 लाख टोकन्स का। 10 लाख के ऊपर आपको एक भी टोकन मार्केट में दिखाई नहीं देगा। ब्लॉकचेन अगर की बात, ब्लॉकचेन की बात करें अल्टीमा टोकन की, तो ऑब्वियसली कि देखो, कोई भी क्रिप्टो टोकन सिलेक्ट करने से पहले ब्लॉकचेन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, ट्रॉन का फॉर्क करके स्मार्ट ब्लॉकचेन बना हुआ है, जिसका आप जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना हुआ है,
जिसका आप फ्रीक्वेंसी, ट्रांजेक्शन स्पीड, आप सब चीजों को वेरीफाई कर सकते हो किसी दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ। आप कंपेयर करके देखिए उसके पैरामीटर्स, एक नोटबुक लेके या एक पेन लेके उसके साइट में लिखिए और बाकी के क्रिप्टोस के उसके साइड में लिखिए, आपको बहुत सारे चेंजेस ये ब्लॉकचेन में दिखेंगे। सो यस, ये ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। डिमांड एंड लिक्विडिटी की अगर बात करें तो 100% फ्रॉम डे वन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिमांड कब बढ़ती है, जब आपका सप्लाई लिमिटेड रहा तो, और सप्लाई लिमिटेड है लेकिन अभी रियल मार्केट से कनेक्टेड है, यूटिलिटी बहुत बढ़ रही है। सो अल्टीमा टोकन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी ये अल्टीमा टोकन से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि ये टोकन आपको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। सो बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे अल्टीमा टोकन यूज होगा, जैसे चार सेक्टर्स मेन है। एक तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल मार्केट्स में, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अल्टीमा टोकन यूज हो सकता है, जहां पे हम लोग कहेंगे उसको वाउचर प्रोग्राम्स। तो वाउचर प्रोग्राम दोस्तों एक ऐसी चीज है जहां पे आप कोई भी चीज खरीदो, आप उसको 20% डिस्काउंट के साथ 100% कैशबैक भी रिटर्न में ले सकते हो। डेबिट कार्ड एक ऐसी चीज है जहां पे वो 5 फियाट करेंसीज प्लस 8 क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। उसी के साथ आप ऑनलाइन बैंकिंग भी उससे कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो अपने सॉरी किसी भी एटीएम में जाके उसको आप वहां से हार्ड कैश विड्रॉ कर सकते हो। सो इतने बड़े फंक्शनैलिटी के साथ ये डेबिट कार्ड मार्केट में है, जो आज तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी नहीं लेके आई। और 250,000 पहले कार्ड डिप्लॉय हुए, उसके बाद 250,000 और कार्ड डिप्लॉय होने वाले हैं। सो सोचिए कि सिर्फ 5,00,000 कार्ड्स मार्केट में है तो कितना कम्युनिटी है, लेकिन लिमिटेड एडिशन है तो इसका बेनिफिट सबने उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और एक यूनिक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास वो ऑलरेडी आया हुआ है। थर्ड, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एक्सचेंज के ऊपर, जहां पे आप इसको जैसे मैंने कहा बाय करके होल्ड करो या फिर ट्रेड करो, आप वहां पे उसका इनकम कर सकते हो। अलग अलग अभी एक्सचेंजेस के ऊपर जब लिस्टिंग हो जाएगी तब आप रेट में भी चेंजेस देखोगे, तो आप वहां से भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है जहां पे अल्टीमा टोकन यूटिलाइज हो सकता है, वो हो गया फार्मिंग। तो फार्मिंग जैसे मैंने कहा कि आपको नए कॉइन प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, नए टोकन प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, उसके अंदर वो किस तरह से होता है इसके रिगार्डिंग हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे जो फर्स्ट पॉइंट था इसका जो है वाउचर, तो अल्टीमा टोकन ये इस तरह का टोकन है जिससे आप कुछ पॉइंट्स खरीद सकते हो, जो आपको ultimacashback.com साइट पे ही मिलेंगे, उसके सिस्टम के अंदर ही मिलेंगे। जितना भी टोकन आप दे रहे हो, मतलब जितने भी वैल्यूएशन का टोकन आप दे रहे हो, सपोज आप 1,000 यूरो का टोकन दे रहे हो, तो आपको 20% एक्स्ट्रा शॉपिंग पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब क्या कि आपने अगर ये टोकन अप्लाई किया तो आपको 1200 यूरो का, मतलब 1000 यूरो के अगेंस्ट मुझे 1200 यूरो के शॉपिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिससे मैं उसकी 1200 यूरो की खरीदारी कर सकता हूँ। सो ऐसा तो दोस्तों मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखा, ना किसी ने यहाँ पे देखा रहेगा। एक बार आपको शॉपिंग पॉइंट्स मिल गए, उसके बाद आप उससे वाउचर खरीद सकते हो, मतलब अल्टीमा स्टोर पे जाके, शॉपिंग स्टोर जो शॉपिंग पोर्टल है अपना जो अलग से बना हुआ है, उसके अंदर जाके आप कुछ भी खरीदो यूजिंग दैट शॉपिंग पॉइंट्स। सो देखिए दोस्तों कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है अपना वाउचर, तो वाउचर में अलग अलग टाइप के वाउचर्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट वाउचर है, प्रोडक्ट वाउचर्स में एक स्पेसिफिक कैटेगरी आती है, जैसे मेगा मार्शे का वाउचर आपके सामने है जो गैस स्टेशन का वाउचर है, इससे सिर्फ आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही उसका स्पेंड कर सकते हो। इसके बाद है अपना अमेजोन, उसके बाद अभी फ्लिपकार्ट आ रहा है, तो उसके बाद विंगशुटन चेन जो है वो प्रोडक्ट वाउचर से, ओजोन हो गया, ओजोन भी था अपने पास, सो ओजोन इज ऑल्सो प्रोडक्ट वाउचर। सो ये सब प्रोडक्ट वाउचर आ गए, मतलब ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जहां पे ये ब्रांड्स चलते हैं वहां पे पर्टिकुलर कंट्रीज में इसको आप यूज कर सकते हो। सेकेंड वाउचर है डेबिट कार्ड वाउचर, जो अल्टीमा इकोसिस्टम का ऑलरेडी खुद का डेबिट कार्ड है, सो उसी के अंदर वो डेबिट कार्ड के भी वाउचर्स दिए हुए, मतलब अगर आप उसका वाउचर लेते हो अल्टीमा मेंबर्स का, तो डायरेक्टली आपके जो भी लोडिंग्स है, जो भी यूएसडीटी आने वाले आपको, जो भी आपको यूरो आने वाले है, वो डायरेक्टली लोड हो जाएंगे आपके डेबिट कार्ड के अंदर। और थर्ड जो वाउचर है, तो थर्ड कैटेगरी है वो है एक्सचेंज वाउचर। तो एक्सचेंज वाउचर उस तरह के वाउचर होते हैं जहां पे आपके पास पर्टिकुलर एक्सचेंज, जैसे कॉइन्स बिट पकड़ लो, बाइनांस पकड़ लो, अभी बीकेक्स के वाउचर सारे, तो उस एक्सचेंज पे जाके आप वो पर्टिकुलर जो कोड आपको साइट से मिलेगा उसको रिडीम कर सकते हो और अपना कैशबैक
वहां पे ले सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स है, डिफरेंट डिफरेंट, देखो तीनों अपने साइड में अलग अलग कैटेगरीज है। ये प्रोडक्ट वाउचर ये कंप्लीटली ट्रेडिशनल मार्केट का सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया, डेबिट कार्ड वाउचर ये फाइनेंशियल सेक्टर का वाउचर हो गया, और एक्सचेंज वाउचर ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के वाउचर्स हो गए। सो कितना वैरायटी और डोमेन्स में, और इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग वाउचर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रैवल और बाकी हेल्थ के भी आने वाले हैं। सो बहुत सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाउचर और डिस्काउंट कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अगर 10,000 यूरो का वाउचर खरीदा तो उसमें मुझे एड ऑन शॉपिंग पॉइंट्स मिलते हैं 20%। मतलब क्या कि 10,000 यूरो के अगेंस्ट मुझे मिलते हैं 12,000 यूरो के पॉइंट्स। उससे मैं 12,000 यूरो का वाउचर खरीद सकता हूँ जो मुझे एक साल में रिसीव हो जाएगा। मतलब माफ करना, लोगों को पता है मीटिंग का टाइम, लेकिन फिर भी लोग कॉल करते हैं। कोई बात नहीं, चलो। देखते हैं दोस्तों कि जैसे मैंने कहा कि 10,000 यूरो के अगेंस्ट 12,000 के आपको शॉपिंग पॉइंट्स मिल गए। वो आपको क्या मिलता है, 12 वाउचर्स मिलते 1,000 यूरो के। इसका मीनिंग क्या है कि आपने पेमेंट कितना किया था, 10,000 यूरो, लेकिन आप एक साल में कितना रिटर्न ले रहे हो, 12,000 यूरो। इसका मीनिंग क्या कि आपको 20% डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो उसी के साथ आपको एडिशनल क्या मिलता है, उसी के साथ जितना भी 10,000 यूरो का आपने पेमेंट किया है उसमें आपको पूरा एक अल्टीमा टोकन, जो मतलब $10,000 का जो वैल्यूएशन रखता है, वो आपको 36 मंथ में डिवाइड होके मिलता है। तो वो हो गया आपका कैशबैक। देखो दोस्तों, डिस्काउंट और कैशबैक दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जहां पे आपने ऑलरेडी उसको ले लिया है 20% में, वो बात वहीं पे खत्म है, लेकिन कंपनी आपको एडिशनल पेमेंट देती है कैशबैक की तौर पे, जहां पे 10% से लेके 1,000 गुना तक आप अपना कैशबैक ले सकते हो। किस तरह से, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। जैसे कहा कि डेबिट कार्ड और वर्चुअल कार्ड, इसके बारे में हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। थर्ड वो यूज होता है एक्सचेंज और यूटिलिटी में। तो अल्टीमा टोकन का, देखो टोकन का सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल के लिए एलेक्स सर ने बहुत सारी चीजें लाई है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर लाया है, 1% a day पे रूल लाया है, फिर एक्सचेंज पे क्वाइंस बिट के ऊपर उसको कंट्रोल रखा है। लोग बोलते हैं क्वाइंस बिट पे लिमिट क्यों लगाए, तो उसका एक रीजन है क्योंकि क्वाइंस बिट के जो भी रेट्स है उसके हिसाब से ही उसको इंटीग्रेट किया हुआ है डेबिट कार्ड में यूज के लिए। तो अपना डेबिट कार्ड ये बहुत मेन रीजन है जो कॉइन्स बिट के जो लिमिट लगे हर एक कॉइन के उसके लिए। तो वो किस तरह से फंक्शनैलिटी करता है वो आपको नहीं पता है तो आपसे सीनियर से एक बार पूछ लेना। सो अल्टीमेट टोकन का प्राइस तो ग्रो होना है क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स अनलिमिटेड है। आपने देखा है कि टोकन की संख्या मात्रा लिमिटेड है, लेकिन यूजर्स अनलिमिटेड आने वाले हैं। अभी की कम्युनिटी कुछ भी नहीं है, जो कम्युनिटी आप अगले 6 महीने से एक साल में देखोगे 2024 के एंड तक, जो कम्युनिटी एलेक्स सर को रिक्वायर्ड है वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, और उसको ज्यादा बूम होने को टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लोग वाउचर्स भी लेंगे, लोग फार्म भी लेंगे, लोग स्पेंडिंग भी करेंगे, और उससे जो रिटर्न आ रहा है उसका भी बेनिफिट लेंगे। तो अल्टीमा टोकन की रेट बढ़ने के लिए और क्या क्या फैक्टर्स है, तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दू कि स्टॉक एक्सचेंज पे तो ये एक्सचेंज पे तो ट्रेड हो जाएगा, उसके बाद USDT में भी वो एक्सचेंज होगा, स्मार्ट कॉइन में भी उसका पेयर रहेगा, उसके बाद उसका फार्मिंग से डिमांड बढ़ेगा क्योंकि कॉइन फ्रीज होते जाएगा 5 सालों के लिए, तो ऑब्वियसली उसका सप्लाई और घटेगा, लोग कॉइन को होल्ड करेंगे जो अच्छे रेट के लिए उसको सेल करना चाहेंगे। उसके बाद डिस्काउंट्स में उसका यूज होगा, डेबिट कार्ड में उसका यूज होगा, दूसरे एक्सचेंजेस पे जब लिस्ट हो जाएगा तब उसके वहां पे भी उसका ट्रेडिंग होगा, वहां पे कम्युनिटी बढ़ेगा, जो आउटसाइडर कम्युनिटी है हमारी कम्युनिटी छोड़ के, तो वहां पे भी उसका रेट बनेगा। उसके बाद IEO और ICO, जो अल्टीमेक्स एक्सचेंज आ रहा है अपना, तो IEO और ICO उस एक्सचेंज से लॉन्चिंग होगा, लॉन्च पैड अपना अल्टीमा टोकन का सेपरेट रहेगा, ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करेगा, ऑक्शंस के साथ वर्क करेगा, लकी ड्रॉज के साथ वर्क करेगा, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में वो यूज होगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म में यूज होगा, ऐसे सो एंड सो ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है जहां पे अल्टीमा टोकन यूज होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा सप्लाई लिमिटेड रहेगा, लेकिन कम्युनिटी और यूटिलिटी उसका अनलिमिटेड है। आप अगर हेडिंग पे देख सकते हैं यूटिलिटी एंड कम्युनिटी, तो उसी से आप समझ जाओगे कि अल्टीमा टोकन का डिमांड क्यों बढ़ने वाला है।
अभी बहुत सारी चीजें जिसमें से ऑलरेडी कुछ चीजें स्टार्टअप हो चुकी है, अल्टीमा मार्केट प्लेस ऑलरेडी चल रहा है, अल्टीमा स्टोर डॉट कॉम, अल्टीमा फार्मिंग ऑलरेडी चल रहा है, अल्टीमा डेबिट कार्ड्स ऑलरेडी मार्केट में है, अल्टीमा एक्सचेंज के लिए और 2-3 महीने जाएंगे, ट्रैवल क्लब 1 महीने में दिखेगा, और अल्टीमा एंड क्राउड फंडिंग ये भी 1-2 महीने, मतलब ये जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा दिसंबर तक। जैसे एलेक्स सर ने पूरा Q1, Q2 के जगह पे पूरा प्रेजेंटेशन हमें दिया था, उसी रिगार्डिंग ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फार्मिंग है, जो बहुत लीडर्स लोगों की पसंदीदा है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे लीडर्स ने फार्मिंग के ऊपर बहुत सारा अच्छा बिजनेस किया है, बहुत सारे लोगों ने पैसिव इनकम भी लिया है, प्रोडक्शन भी की है अच्छे कॉइन से। सो फार्मिंग एक कॉइन प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग उसको मिंटिंग बोलते हैं। सो फार्मिंग सिंपल सी है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ स्किल्स नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक रजिस्ट्रेशन करना है। वो किस तरह से होगा वो आगे हमें बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि फुल्ली ऑटोमेटेड पे आउट से फुल्ली ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन है, फुल्ली ऑटोमेटेड मिंटिंग आपको मिलने वाली, आपको कंटिन्यूअसली मार्केट को देखते नहीं रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फार्मिंग है वो सबके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ हाँ रजिस्ट्रेशन करोगे अगर KYC करते हो तो 18 से लेके मतलब आगे का तो एंड का तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना यहाँ पे एजुकेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना जेंडर का कोई रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे सब लोग कोई भी कैटेगरी का, कोई भी फाइनेंशियल लो से लेके हाई कैटेगरी तक इसको फार्मिंग कर सकता है। तो फार्मिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फार्मिंग के लिए सिंपल सा आपको फार्म लाइसेंस बाय करना पड़ता है, जिसको हम लोग अल्टीमा मिंटर बोलते हैं। जब आपने एक बार लाइसेंस परचेस कर लिया, मतलब आपने एक चीज को एक एग्रीमेंट कर लिया कंपनी के साथ कि यस मैंने एक लाइसेंस लिया है जिससे मैं नए कॉइन प्रोड्यूस करने को अभी इलिजिबल हूँ, ये आपका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो जितना आपका फार्म साइज, जितना पेमेंट आप फार्म के लिए करोगे उतना ज्यादा आप कॉइन प्रोड्यूस कर सकते हो। जो अगर फार्म साइज आपका बड़ा है तो ज्यादा कॉइन प्रोडक्शन होगा, अगर फार्म साइज छोटा है तो उसके परसेंटेज में कॉइन प्रोडक्शन होगा। प्रॉफिट आपको सब जगह पे, छोटे से छोटे फार्म में भी प्रॉफिट है, बड़े से बड़े फार्म में भी प्रॉफिट है, लेकिन अपना फाइनेंशियल कैलकुलेशन देख के कैलकुलेटेड आप यहाँ पे अपना लाइसेंस चुन सकते हो। तो लाइसेंस लेने के बाद उसको आपको लोड करना पड़ता है पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको ऑलरेडी लाइसेंस के एग्रीमेंट के अंदर दी हुई रहती है, वहां पे आपको टोकन्स को लोड करना रहता है। जैसे ही आपने जो जितना स्पेस आपको अवेलेबल है, जितने का लाइसेंस आपने लिया है, उसमें टोकन पुटअप कर दिए, उससे वो नए कॉइन नए टोकन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो किस तरह से प्रोड्यूस करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। सो देखिए दोस्तों, जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, जो फार्म लाइसेंसेस है, जैसे मैंने कहा कि कॉमन से कॉमन मैन से लेके रिचेस्ट पर्सन तक इसको ले सकते और कॉइन को टोकन को प्रोड्यूस कर सकते। सो लाइट पैकेज है जो 110 यूरो से स्टार्ट होता है और उसका 5,50,000 तक हम लोग पेमेंट करके फार्म लाइसेंस ले सकते हैं। एक बार आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपको जो 10x की ग्रोथ मिलती है वो 5 सालों में डिवाइड होके मिलती है। जो नए लोग हैं उनको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लाइसेंस ले लिया, आपको उसका इनवॉइस मिल गया, क्योंकि आपने कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदा है तो कंपनी उसको आपको एक बिल भी देगी, वो बिल आपको मिल गया। कॉइन उसके अंदर जो लोड किए वो आपने मार्केट से खरीदे और उसके अंदर लोड किए, वो टोकन्स आपने कंपनी के पास से नहीं लिए, वो आपने कहाँ से लिए, आपने एक्सचेंज से लेके आपने उसमें लोड किए। तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपको रिटर्न आता है वो 20% टोकन आता है। तो जो भी मैंने सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि मैंने अगर एक टोकन का फार्म लिया और एक अल्टीमा टोकन उसमें मैंने अगर लोड कर दिया, तो एक टोकन के बदले वो मुझे 10 टोकन प्रोड्यूस करके देते हैं और मेरा जो लोड किया वो टोकन है वो 5 साल के बाद जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है मुझे रिटर्न मिलता है, मतलब एक टोकन के बदले 11 टोकन 5 सालों में। तो सोचिए अगर रेट इतना भी रहा तो भी आपका प्रॉफिट है, रोज 50% 20% डिक्रीज भी हो गया तो भी आपका प्रॉफिट है, और अगर रेट दुगना भी हो गया यहाँ से तो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। सो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 10 लाख टोकन्स का ही मैक्स सप्लाई है, सो 10 लाख टोकन्स तक ही आप टोकन यहाँ पे मार्केट्स में आने वाले, उसके बाद कोई भी नया टोकन मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन ये 10 लाख
लिमिटेड है, लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा कम्युनिटी और यूटिलिटी इसका अनलिमिटेड है। अल्टीमा टोकन और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, जैसे बहुत सारी चीजें हमने देखी ऑनलाइन वाउचर से गेमिंग है, कॉपी ट्रेडिंग जो एक प्लेटफॉर्म आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, जहाँ पे जिन लोगों को ट्रेडिंग पसंद है उनको यहाँ पे कोई दिमाग लगाने का नहीं है, एक मास्टर ट्रेडर रहता है वो गाइड करता है, उस हिसाब से ट्रेड लेने होते हैं और जो भी परसेंटेज रहेगा उसका परसेंटेज कुछ मास्टर ट्रेडर के साथ शेयर करना रहता है, जहाँ पे आप लोग खुद प्रॉफिट निकाल सकते हो, जहाँ से अल्टीमा टोकन में वो ट्रेडिंग रहेगा, किसी दूसरे टोकन में नहीं रहेगा। तो सोचिए उसके लिए भी लोग अल्टीमा टोकन बाय करेंगे। उसके बाद फ्रीजिंग गेम्स रहेंगे, फ्रीजिंग के गेम्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा अपडेशन है, जैसे एलेक्स सर ने भी कहा था कि यहाँ पे एक ऑफर दी जाएगी, पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर जितने भी टोकन फ्रीज होते हैं, कोई एक करेगा, कोई दो करेगा, कोई 0.1 से स्टार्ट करेगा, कोई 0.2 करेगा, जो जो हाईएस्ट बीड रहेगी उसके ऊपर, सो हाईएस्ट बीड जो रहेगी उसको कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे, लेकिन उसका टोकन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए फ्रीज हो जाएगा। तो सोचिए अगर मैं कुछ 1,00,000 का टोकन वहां पे मैं फ्रीज करता हूँ, अगर मेरा बीड में सक्सेसफुल हाईएस्ट रेंज अगर मेरा रहा, तो मुझे उसके अगेंस्ट एक 10,00,000 20,00,000 कोई भी रहे उसका मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है। मैंने टोकन फ्रीज किया 1,00,000 का, लेकिन मुझे प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो 10-20 लाख का, कुछ भी हायर अमाउंट का रहेगा, तो बहुत सारे लोग उसके लिए भी अल्टीमा टोकन को खरीदेंगे। मार्केट प्लेस ऑलरेडी रनिंग है, क्राउड फंडिंग में आप चैरिटी कर सकते हो, जैसे समझ लो बहुत सारी चीजें, अगर मैंने कहीं पे वृद्धाश्रम है या कोई अनाथ आश्रम में वहां पे अगर डोनेशन कर दिया तो मुझे वहां पे कुछ 1 रुपया भी रिफंड नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को रिफंड मतलब बहुत सारे लोगों को जो बोलते सोशल एक्टिविटीज करने में इंटरेस्ट रहता है, दान धर्म करना पसंद है, हमारे सब लीडर्स भी करते हैं, लेकिन जहां पे भी आज तक हमने डोनेशन किया हुआ है वहां पे हमें 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिला है, हमारी वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती है, हमें सिर्फ पुण्य का काम चाहिए रहता है। लेकिन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इस तरह से प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है कि हम लोग तो वहां पे डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट जितना भी होगा पूरे वर्ल्ड वाइड से उसका कुछ परसेंट सामने वाले को प्रोजेक्ट को मिल भी जाएगा, और उसका जो भी है वो 1 साल के बाद कंटिन्यूअल आपको जो फ्रीज होगा वो आपको रिटर्न भी मिलेगा। सो सोचिए दोस्तों, आप पुण्य भी कर रहे हो और उसके साथ जो भी पुण्य कर रहे हो उसका जो भी प्रॉफिट है वो सामने वाले को ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, लेकिन आप वहां पे रिटर्न भी ले रहे हो, तो कितना बड़ा जो कम्युनिटी है वो भी उसमें फ्रीज करना चाहेगा। क्राउड फंडिंग में एक और है कि मेरे पास अगर बिजनेस आइडियाज है, बिजनेस स्टार्टअप से, तो मुझे अगर मेरे पास फंड नहीं है तो मुझे वर्ल्ड से मैं फंडिंग लूंगा, मेरा प्रोजेक्ट लिस्ट कर दूंगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जहां से मेरा फंडिंग होगा, तो अगर कोई लीडर्स ने मुझे फंडिंग किया या वर्ल्ड के किसी लीडर्स को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, तो वो मुझे फंडिंग करेंगे, लेकिन जो भी फंड करेंगे वो फंड भी उनको रिटर्न मिलेगा, जब मेरा मुझे कुछ परसेंटेज मिलेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है। तो सोचिए कि इतना वाइड एंगल से एलेक्स सर ने ऑलरेडी सोच के रखा है, सिर्फ इसको मार्केट में उतारना बाकी है। उसके बाद ट्रैवल क्लब, आपने ऑलरेडी ट्रैवल का साइड देखा रहेगा, अगर नहीं देखा रहेगा तो नेक्स्ट मीटिंग में जो मैं अभी कंडक्ट करूंगा मंडे या ट्यूसडे को, तो उसके दिन हम ट्रैवल की जो साइट है उसको भी लाइव चेक करेंगे, तो उसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे डिस्काउंट्स है, बहुत सारे होटल टाइप्स है, बहुत सारी एयरलाइंस के टाइप्स है। सो इतना बड़ा इकोसिस्टम बनना जा रहा है अल्टीमा टोकन का। तो अगर आप ये सब चीजों को अगर मतलब आपको एक चीज पता है कि हम जहां पे सोच भी नहीं सकते वहां तक एलेक्स सर ने ऑलरेडी इन चीजों का प्रिपरेशन करके रखा है। जैसे मैंने कहा कि अभी दुबई में जो मीटिंग हुए तो इगोर सर ने बहुत सारी चीजें बैक ऑफिस में दिखाई थी कि बैक ऑफिस में क्या क्या वर्क चल रहा है, टोकन का कौन सा साइट सिर्फ लॉन्चिंग के लिए है, कौन से इसमें से जो प्लेटफॉर्म है वो कितना परसेंट कंप्लीटेड है, कितना रेडी और कब वो लॉन्च हो सकते हैं, एक टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस दिसंबर तक ये सब चीजें आपको लाइव होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि अभी सिर्फ स्टार्टअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मिंग एलेक्स सर बंद कर चुके थे, तो फार्मिंग अभी रिस्टार्ट हुआ है, कैशबैक और वाउचर लोगों को पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इंडिया की हमारी कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको प्रमोशन ऑलरेडी स्टार्टअप कर दिए, लोगों का बिजनेस ऑलरेडी यहाँ से शुरू हो चुका है, तो वो फार्म भी आप लोगों के सामने परोस सकते हो, आप कैशबैक का वाउचर भी लोगों के सामने परोस सकते हो, और ये जो प्लेटफॉर्म आएंगे आप ट्रैवल का भी उनके सामने, मतलब आप एक डिश
एक पंच पकवान की एक स्वीट डिश उनके सामने रख सकते हो, जिसको जो चाहिए वहां पे वो दिमाग लगा के इस सिस्टम के साथ अगर टिका रहे और बना रहे तो वहां पे वो इनकम ले सकता है। तो इतने बड़े पैमाने पे अल्टीमा टोकन आपका यूज होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया पैसिव इनकम और यूटिलिटी, लेकिन उसी के साथ आप अगर अल्टीमा टोकन के साथ बिजनेस करते हो, बिजनेस किस में कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ट्रैवल इंडस्ट्री में कर सकते हो, वाउचर्स में कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग में आप इनकम कर सकते हो, आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, बहुत सारे इनकम से पैसिव इनकम के लिए। लेकिन अगर आपको एक्टिवली वर्क करना है तो आप जब लाइसेंसेस बेचोगे तो आपको कंपनी ने कुछ रिवॉर्ड्स रखे, कुछ बोनसेस रखे, जैसे फर्स्ट बोनस है अपना डायरेक्ट बोनस, उसके बाद टीम बोनस, लीडर बोनस, इन्फिनिटी बोनस, रैंक बोनस। जो फार्मिंग के लाइसेंस है, अगर आपने कोई भी लाइसेंस सेल किया तो फर्स्ट लाइन में आपको डायरेक्टली 20% का प्रॉफिट मिलता है, और आगे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपको 26% तक टीम बोनस भी एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे इसके रिगार्डिंग एक डिटेल मीटिंग अपने टॉप लीडर्स आपके साथ जल्दी ही लेने वाले हैं। उसके बाद लीडर बोनस, ये पर्टिकुलर डायमंड होने के बाद ही आपको मिलता है। फिर इन्फिनिटी बोनस, ये सबसे ब्यूटीफुल बोनस है। एक बार सिस्टम में डायमंड बन जाओ, कुछ लोग एमरल्ड के करीब होंगे, कुछ लोग रूबी हो गए रहेंगे, एमरल्ड के पास रहेंगे, तो नेक्स्ट रैंक अचीव करने का कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि ये रिवॉर्ड्स को छोड़ो मत। एटलीस्ट मैं कहूंगा सबको, एक मेरा सजेशन रहेगा पर्सनल, कि डायमंड तक खुद को प्रिपेयर करो, डायमंड तक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे खुद के लिए करो, सिस्टम के लिए करो, फैमिली के लिए। एक बार डायमंड आप हो गए तो फिर आपका इनकम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। उसके बाद रैंक बोनस है 2%। सो यहाँ पे आप पैसिव इनकम के साथ एक्टिव इनकम भी कर सकते हो। और जो भी इनकम आप कर रहे हो, आप इनकम क्यों करते हो आजकल? हम क्यों जॉब करते हैं या हम क्यों कोई बिजनेस करते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो जो भी INR हमें मिलता है हम उसको स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो भी इनकम कर रहे हो, वो भले USDT में रहे, टोकन में रहे, यूरो में रहे, उसको अगर आप वापस से वाउचर्स वगैरह में सिस्टम में लगाते हो, अगर आप कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाते हो, तो 20% डिस्काउंट तो आप यहाँ पे ले ही रहे हो। उसके साथ आप 100% कैशबैक भी ले रहे हो, अपने स्पेंडिंग्स को रिटर्न भी ले रहे हो। जैसे मैंने कहा, ये 10% से लेके 1000% तक कुछ भी हो सकता है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है एक्टिव इनकम के लिए, जहाँ पे आप यहाँ पे बड़ा बिजनेस करके एक करियर बना सकते हो और बोनसेस और रिवॉर्ड्स। एक हम थोड़ा सा साइड दोस्तों एंटर करना है, प्लैटिन वर्ल्ड रहे, अल्टीमा फार्म रहे, PLC अल्टीमा डॉट रहे, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको वहां पे टाइप करके ही जाना है, या फिर आपने अगर बुकमार्क कर लिया है उसको ऑलरेडी, तो उसी से अंदर जाना है। अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च करके छोड़ दोगे तो बहुत सारे फेक साइट्स भी है, जो कंपनी अभी बहुत सारी बंद कर चुकी है, लेकिन कोई भी फेक साइट कभी भी जनरेट होती है, वहां पे आप लॉग इन करते हो तो आपका पूरा के पूरा फंड विड्रॉल भी हो सकता है। सो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी रखना है, जो रूल्स रेगुलेशन आपको इस मीटिंग में बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करना है। तो ये देखो दोस्तों, ये अल्टीमा टोकन का एक फार्मिंग है, एक डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पे जो फार्मिंग स्पीड है, आज से 21 जुलाई तक 9.9, जो कल तक 10x का फार्मिंग स्पीड था वो अभी हो गया है 9.9। जैसे ही 21 जुलाई आपका चला जाएगा, आपका जो फार्मिंग स्पीड है वो हो जाएगा 9.8। और अगर आप ये मंथ के मतलब एंड तक जैसे ही जाओगे, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में 9.7 का फैक्टर होता है। सो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जिसमें आपको फार्म साइज भी कंटिन्यूस डिक्रीज होने वाला है, मिंटिंग स्पीड भी डिक्रीज होने वाला है, मिंटिंग फैक्टर भी डिक्रीज होने वाला है। सो जल्दी से जल्दी इसका लाभ लीजिए और फार्मिंग को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। लोगों को टोकन प्रोडक्शन का, लाइसेंस का, फार्मिंग का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरा आप एक खुद अपना खुद का एक लीडर्स लोगों ने खुद का एक फाइल बना लीजिए, और फाइल लेके ही सामने प्रेजेंट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समझाने में और सामने वाले को समझने में परेशानी होगी, और बहुत अच्छी तरह से सबका बिजनेस रन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे फार्मिंग के लाइसेंस हैं, इसमें से कोई भी फार्मिंग लाइसेंस आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों, कि जैसे चलो ट्रैवल का हम
हमने ऑलरेडी आपको बताया था, अब ये साइट अगर ओके है तो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, शायद से नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि कल भी आपको मीटिंग में बताया था कि बहुत सारे वाउचर्स एड ऑन हो चुके हैं अल्टीमा स्टोर्स के साइट में, आपको जाना है तो आप डायरेक्टली टाइप करके उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। सो ये अपना मार्केट प्लेस है। इसके अंदर अगर आप ग्लोबल मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ वाउचर जो है, जो प्रोडक्ट वाउचर्स है, सिर्फ वो वाउचर्स अपने कंट्री स्पेसिफिक है, मतलब ऑस्ट्रिया के लिए अलग, जर्मनी के लिए अलग, रशिया के लिए अलग, कजाकिस्तान के लिए अलग, मेक्सिको के लिए अलग, मंगोलिया के अलग, बांग्लादेश इंडिया के लिए अलग, तो ये सब अलग अलग वाउचर्स है। लेकिन जो ग्लोबल वाउचर्स है वो किसके लिए, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, जो हम लोग जाएंगे ग्लोबल वाउचर्स के लिए। तो यहाँ पे कोई भी कंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ग्लोबल वाउचर्स में 14 वाउचर्स आप देख सकते हो, इसमें से बाइनांस का 120 यूरो के साथ, वह 32 USDT है वो, लेकिन आपको 120 यूरो का वाउचर मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद 242 यूरो का वाउचर है, उसके बाद 600 यूरो का है। तो देखिए दोस्तों, बाइनांस के हमारे पास नियर अबाउट 5 वाउचर्स है। उसके बाद कॉइंस बिट का अगर देखोगे तो उसका भी 132 यूरो से स्टार्टअप है, फिर 264 है, 660 है। सो एक सजेशन ऐसा रहेगा कि जो भी शॉपिंग पॉइंट्स आपको मिल रहे, तो कोई सपोज 1000 यूरो का उसने वाउचर खरीदा शॉपिंग पॉइंट्स, उसको 1200 शॉपिंग पॉइंट मिल गए, तो 1200 शॉपिंग पॉइंट को आप एक कॉइंस बिट का, एक बाइनांस का, एक अल्टीमा मेंबर्स का, आप उसको डाइवर्ट भी कर सकते हो, आप उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो अलग अलग वाउचर्स के पैकेजेस में। मतलब अगर मैंने, मेरे पास 1200 शॉपिंग पॉइंट्स का फंड है, तो मैं 264 यूरो का मैंने अगर कॉइंस बिट का बंडल खरीदा, तो मेरे पास फिर 1000, एग्जांपल के तौर पे 1000 मेरे शॉपिंग पॉइंट्स बच गए, उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो शॉपिंग पॉइंट्स का प्रॉपर कैलकुलेट करना, हाँ सिर्फ उतना एक ध्यान रखना है आपको कि अगर आप 264 या फिर 132 या फिर ऐसे मिड वैल्यू के अगर सिलेक्ट करते हो, 242 इस तरह से, तो जो आपका राउंड फिगर का है, कुछ जगह पे आपका 6 शॉपिंग पॉइंट बैलेंस रह जाएंगे, कुछ जगह पे आपको 15-16, मतलब ये ऑड फिगर्स की वजह से। तो बेटर रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो भी लाइसेंस आप परचेस करोगे उसी तरह से परचेस करना, जहां पे आपको राउंड फिगर से शॉपिंग पॉइंट्स मिले, क्योंकि आपका एक भी शॉपिंग पॉइंट मतलब आपका एक यूरो, क्योंकि 1 शॉपिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1 यूरो, आपका इक्विवेलेंट उसका बना हुआ है। तो अगर आपके पास 1200 शॉपिंग पॉइंट है, तो जो 1200 के अंदर 600 के दो वाउचर्स ले लो, सबसे बढ़िया, मतलब एक भी शॉपिंग पॉइंट आपका वहां पे नहीं बचेगा, 100% आपके शॉपिंग पॉइंट्स का और वाउचर का यूटिलाइजेशन वहां पे हो जाएगा। अल्टीमा मेंबर्स के जो है उसके भी बहुत सारे वाउचर्स है, और इसके अंदर जल्दी ही आप इसके BKX एक्सचेंज के भी वाउचर्स देख सकते हो। सो यस, ultimastore.com पे जाके बहुत सारे लोगों को मैंने कल भी गाइड किया था, बहुत पूरा डिटेल में हमने इसका प्रेजेंटेशन दिखा था कि कैसे शॉपिंग पॉइंट वाउचर को परचेस करने के बाद आपको किस तरह से USDT बंडल रिसीव होते, किस तरह से आप इसको पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद उसको कूपन कोड कैसे लेना है और उसको कैसे विड्रॉ करना है। तो ये आज दिखानी थी, बाकी बहुत सारी चीजें जो राजेंद्र सर आपसे आज कवर करके पूरा शेयर करेंगे। सो आज जैसे मैंने कहा, बहुत सारी और चीजें आपको, नई चीजें दिखानी थी, जो हर दिन हमारा टारगेट रहता है कि एक ना एक चीज नई दिखानी है, लेकिन आज हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका देख लिया। तो कल से, कल का जो भी मीटिंग रहेगा उसमें राजेंद्र सर आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, उस तरीके से लीडर स्टॉक रहेगा, फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे, कुछ सेशंस रहेंगे जो कल के मीटिंग में आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, बिजनेस आप स्टार्टअप कभी भी करो, लेकिन सामने वाले को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाओ, उनको सिलेक्ट करने दो और उस तरह से आपका और आपके टीम को सपोर्ट करो। यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसका डुप्लीकेट करो, अपने टीम को गाइड करो। अगर कुछ चीजें आपसे सॉल्व नहीं होती है, उनको जूम मीटिंग में एंटर करवाओ, क्योंकि आज देख सकते हैं हम लोग कि 160 के आसपास ही लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं। उसके बाद पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ के भी गए हैं, तो उनकी ऑब्वियसली टीम भी कंपनी को छोड़ के गई है। लेकिन ये चीजें जब आप उनको समझाओगे, तो वो टीम वापस आने के लिए दूसरे कंपनी के भी लोग अपने सिस्टम के अंदर लेके आएंगे। सो थैंक यू सबके लिए, टॉप लीडर्स के लिए, और धन्यवाद सर मुझे बोलने का मौका दिया।
और आज का प्रेजेंटेशन मैंने यहीं पे कंक्लूड कर लिया है. सो नेक्स्ट हैंड ओवर टू यू. थैंक यू सो मच सर. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू मयूर सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एक दिया. यस सर, एक चीज और है कि अगर शरद मंदाड़े सर ग्रुप में है तो उनको आपका जो सेशन हो जाएगा तो उनको 5 मिनट का एक मौका देना, क्योंकि उन्होंने आज ही बाइनांस के वाउचर खरीदे और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रिडीम कैसे किया उस वाउचर को, वो खुद आपको सब कम्युनिटी को एक बार गाइड करेंगे. तो आपका जब भी सेशन हो जाए तो प्लीज सर उनको आज मौका देना, वो आपको 5 मिनट के लिए वो बात करने वाले. यस सर, यस सर, कोई बात नहीं. तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया. पहली बात तो सब लोगों को समझ में आ रहा है, दिन के दिन हमारा लोगों को ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ये बेहतरीन से हमारा सेक्शन हो रहा है. फिर भी मैं यहाँ पे बोलूंगा, जैसे आपने भी बोला एक 160 लगभग लोग है, अगर सही में अगर आपने कोई मीटिंग कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा टॉप लीडर्स को, मेरा ये कहने रहेगा जो लीडर्स है, क्योंकि लाखों लोगों का अपना मीटिंग ग्रुप है और वही लोग रोज रोज आते हैं, तो हमको मीटिंग सिर्फ एक हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा, नहीं फिर प्राइस करना पड़ेगा. और आपको बोल रहा पता है, अगर मैं बोलता हूँ तो उस हिसाब से काम भी बनता हूँ ना, तो उस हिसाब से अगर बात मैं एक दो दिन देखूंगा आलेख सर का मीटिंग होने तक, अगर अपना यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला तो फिर जिस दिन आलेख सर का मीटिंग होगा उसके दूसरे दिन हमारा मीटिंग होगा, ऐसे ही काम करते हम आगे लगे जाएंगे. तो उस हिसाब से हम काम करते हैं. तो थोड़ा सा लीडर को थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को, नहीं तो फिर अगर 200-250 भी लोग अगर अपनी मीटिंग में नहीं आ रहे तो फिर ये मीटिंग का रोज रोज इतना 2 घंटा देना भी अच्छा नहीं है. रिकॉर्डिंग बिल्डिंग है हमारा, बार बार हम सुन सकते हैं, उसके लिए कोई बात करने की जरूरत नहीं. तो लोगों के लिए मीटिंग है, हमारे लिए नहीं है. जो हम ऑलरेडी जानते हैं तो हम काम भी कर सकते हैं, अगर मेरे सर जानते हैं तो भी काम कर सकते, टॉप लीडर अगर जानते तो भी काम कर सकते. तो कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर वही रोजाना नहीं होता है तो ये मीटिंग उस काम की नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है. तो एक दो दिन हम देखेंगे, कल का मीटिंग भी लेंगे, आलेख सर का 2-3 दिन में मीटिंग होने वाला है, उस मीटिंग को भी तक हम अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं बना तो इस मीटिंग को हम डेली नहीं लेंगे, हफ्ते में एक या दो बार लेंगे. तो ये सबसे काम करते हैं, क्योंकि डेली ये वही लोगों के लिए बैठना अच्छा नहीं है और वही बात उनके साथ करना वो भी अच्छा नहीं है. तो इसी के साथ मैं यहाँ पे शेयर सर है, अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं. शरद मंडले सर अगर आप है मीटिंग में तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको 1-2 मिनट मौका दूं, नहीं तो फिर इस मीटिंग को हम जल्दी आज क्लोज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है, शॉर्ट में बात मीटिंग को कनेक्ट करेंगे. ओके, शायद नहीं होगा. हेलो. यस सर. ओके सर. सर नमस्कार सर. यस सर नमस्कार. थैंक यू मयूर सर, थैंक यू उपाध्याय सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है. आज मैंने जैसे मयूर सर ने बताया कि मैंने आज वाउचर खरीदा है, 2 वाउचर अपने कैशबैक के, और फार्मिंग की भी परचेस किया है, फॉर्म भी परचेस किया है. तो दोस्तों सभी लोगों को यही कहना है कि कंपनी अच्छी तरीके से मतलब रन कर रही है, अभी मौका है सबको यहाँ पे अपना मतलब अचीवमेंट दिखाने का, जो नेक्स्ट रैंक अचीव करने का. यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी अपने कंपनी ने अभी तक जो भी अपडेट था कंपनी का, अभी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो रहा है. और अभी जैसे एलेक्स सर को जैसी कम्युनिटी की जरूरत है, वैसे भी अपने को कंपनी की भी जरूरत है दोस्तों. तो सब मिलके अगर ये जो है कम्युनिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो बहुत सब लोगों का अच्छा काम हो सकता है. तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, सब मिल के अपन एक नया इतिहास बनाएंगे नए प्रोजेक्ट के साथ. और आने वाले 2024 में, मतलब आने वाले 2024 तक जो आप सब लोगों ने जो ड्रीम देखे थे वो पूरा हो जाएगा सबका, यही कहना था मुझे. और सर जो भी वाउचर आपने खरीदा है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताएंगे, कितना आपको कैशबैक आ गया, यूएसडीटी कैसे आ गए, तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी होता है, फर्स्ट दिन में ही फर्स्ट पे आउट ही कितने का आता है, तो वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए आप अपने. सर मैं यहाँ पे जो है मीटिंग में प्रतीक भिमटे सर है सर, मैं प्रतीक भिमटे सर, हाँ प्रतीक भिमटे सर को आप यहाँ पे इन्वाइट कीजिए सर, उन्होंने ही किया है, ठीक है ना, हम साथ में ही थे, तो उनको इन्वाइट कीजिए. प्रतीक सर आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए वाउचर के साथ, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा आज का. गुड इवनिंग सर.
सर आवाज आ रहा है? यस प्रतीक। ओके सर, थैंक यू सर। सुबह आपने जो वाउचर परचेस किया सर हमने, और एक फार्मिंग भी लिया था एक 5 साल वाला, तो उसमें सर फार्मिंग में तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें जो अपने को रिटर्न आने वाला है वो 5 साल तक आने वाला है, और वो पैसे इनकम से हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और अभी फिलहाल तो वो सबको मेरा तो सलाह इतना ही रहेगा कि जो फार्मिंग है ये तो 5 साल के लिए है ना, ये सबको एक एक तो फॉर्म लेना ही पड़ेगा, मतलब इसकी बहुत ही डिमांड अभी तो स्टार्टअप है, और स्टार्टअप में तो कॉइन का रेट प्लस में जाने वाला ही है। और जो हमने कैश वाउचर भी लिया सर कैशबैक का, तो वो बाइनेंस के साथ उसको मैंने विड्रॉल भी किया, कॉइन्स भी निकाले, और जो अपने यूरो आए थे यूरो को कन्वर्ट भी किया, तो उसमें सर तुरंत में टाइम भी नहीं लगा वो ट्रांसफर होने में, विद इन अ सेकंड में वो ट्रांजेक्शन भी हुआ, पर हमने विड्रॉल भी कर लिया सर। ये दोनों भी अभी जो प्लेटफॉर्म आए है कैशबैक का और अपना जो फार्मिंग का सर, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको आज किया सर, तो इसका बेनिफिट तो तुरंत ही आया सर कैशबैक का। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर ये बड़ी कम्युनिटी रहती और उनके सामने अगर ये रिजल्ट जाता दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता था लोगों को, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि इन्होंने 120 यूरो के 2 वाउचर्स खरीदे हैं, और तुरंत ही जो फर्स्ट मंथ का अल्टीमा है वो तो कैशबैक का तुरंत आ गया, उसी के साथ उनको 11 यूएसडीटी के जो 2 बंडल से वो भी उनको रिसीव हो गए, और वो उन्होंने आज के ही दिन विड्रॉल भी कर लिए। तो सिस्टम का इफिशियंसी और फास्ट कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आप तो देख रहे हो क्योंकि आप लोग लीडर हो, लेकिन ये बात कम्युनिटी को पहुंचानी चाहिए, कम्युनिटी के पास हमें जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे राजेंद्र सर ने कहा कि टॉप लीडर्स ने ये मीटिंग इसीलिए दोस्तों ऑर्गेनाइज किया है कि आपकी जो भी नई कम्युनिटी है उनका डुप्लीकेशन हो सके, जितने ज्यादा लोग मीटिंग में आएंगे, जितने ज्यादा कम्युनिटी को आप सिस्टम के अंदर इन करवा रहे हो, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड होके वो मार्केट में और बिजनेस कर सके खुद के लिए। यहाँ पे कोई किसी के लिए बिजनेस नहीं कर रहा है, मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, सब टॉप लीडर्स अपने खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टम को अच्छी तरह से समझोगे। तो यस राजेंद्र सर, बिल्कुल हमें थोड़ा इसके बारे में सोचना रहेगा, क्योंकि पूरा दिन शेड्यूल जॉब करके, कॉलेज करके और प्लान्स देके, फील्ड वर्क करके, उसके बाद हम लोग ये मीटिंग का नियोजन करते हैं, लेकिन अगर कम्युनिटी को ही ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके ऊपर आप टॉप लीडर्स मिलके कोई डिसीजन जल्दी लीजिएगा, और उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो उपाध्याय सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। आप जो बात कर रहे हैं सही है सर, सब काम छोड़ के हम मीटिंग के टाइम पे हमको अरेंज करना पड़ता है सब चीजें, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इसे हमको इसको डिसीजन सही में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितनी लीडर्स है उतनी अगर यहाँ पे आ रहे तो लीडर्स खाली पैसा मिलने में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सुनने के लिए अगर यहाँ पे आ रहे तो वो सब लोगों के लिए अभी लिख के लेना, कंपनी की तरफ से सबको 100% या 1000% पैसा रिटर्न मिलेगा, और उसके लिए रोज मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, वो जैसे सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपका डैशबोर्ड को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पैसा इंटरेस्ट आने वाला है, ये चीज को आपको समझना है। सेकंड पार्ट, कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 1 वीक यहाँ पे ज्यादा हो गया, 1 वीक भी ज्यादा हो जाएगा, 1 वीक से यहाँ पे सब प्रॉपर वे काम करना स्टार्ट होने वाला है, जैसा वॉलेट अभी आ रहा है सर का मैसेज है, जल्दी अपना वॉलेट आ रहा है, सबसे बड़ी बात वॉलेट आने के बाद पूरा मार्केट बूम होने वाला है। सेकंड पार्ट है हमारा जो कार की बात की, अभी मेरे सर ने बोला है, अली सर की मीटिंग में आपने सुना होगा कि कार्ड का जो प्रोडक्ट है, जो जैसे 2.5 लाख प्लस कार्ड कंपनी ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, बाकी और 2.5 लाख कार्ड के लिए कंपनी रेडी कर गई है, लेकिन फ्री वाला कार्ड थोड़े समय के लिए चलेगा, हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। अभी बहुत सर ने बोला है, बहुत वापी लोगों का फ्री बांटे, इसके लिए लोगों को उसकी जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या चीज है, लेकिन अभी सिस्टम इस मोड पे आ चुके। मैंने कल ही बताया कि अभी 7 साल से कंपनी जिसका इंतजार कर रही थी वो सिस्टम अभी कंपनी ऑलरेडी रन कर चुकी है, उसके वजह से सिर्फ उसको स्टार्टअप के लिए जो भी समय जा रहा है 1 हफ्ता 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद कंपनी को पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग अभी देखते रहे ना वो देखते रहेंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से जो अभी कार्ड फ्री मिलने वाला है वो कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद फ्री कार्ड मिलना बंद होने वाला है, ये चीज को समझना है। तो जो भी लोग है, जैसे कल के क्लोजिंग में बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े फार्म लिए, मैंने देखा है, मेरे को सब चीजें पता चल रही है, 110 यूरो के या 5.5 लाख के भी फार्म कल लोगों ने परचेस कर चुके, 1 लाख 10 के तो बहुत सारे लोगों ने फार्म परचेस किया, उसमें कॉइन भी लोड करी क्योंकि 10 कॉइन मिलने वाले थे कल का क्लोजिंग में। जो लोगों ने फार्म परचेस किया और उसमें कॉइन लोड किए उनको 10 टाइम यानी 10 गुना कॉइन मिलने वाले। अभी आज अगर ये हफ्ते में कोई कॉइन फार्म ले रहा है और उसमें अगर कॉइन कोई लोड कर रहा है तुरंत अपलोड कर रहा है तो उसके यानी फार्म में तो वहाँ पे उसको 9.9 इतने कॉइन्स मिलने वाले, ये चीज को समझ रहे हैं।
तो ऐसे धीरे धीरे करते, अभी धीरे धीरे कम होने वाला है। जैसे मैं लास्ट टाइम आपने देखा था अल्टीमेट जब स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को बताया था मैंने, का जो शुरू वाला जो स्टार्टअप था लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उसी तरह मैं आपको एक बार यार इस टाइम पे ये गाइड करूंगा कि अभी अगर कोई फार्म ले रहा है और उसमें कॉइन लोड कर रहा है तो उसका बहुत बहुत बोले तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये कॉइन का रेट जैसा ग्रो, अभी आज एक सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है मैंने, दोनों तरफ से कैशबैक ऑफर के लिए भी बात कर सकते हैं, 100% कैशबैक में उसमें भी हम बात कर सकते हैं। सेकंड बात है हमारा पार्ट है हमारा जो फार्मिंग की, उसके लिए भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉइन का रेट अभी डाउन है, उसके वजह से हम दोनों तरफ से क्या हो रहा है, कम पैसे में ज्यादा कॉइन आ रहा है, ये चीज का आपको समझना है। जैसे 100% कैशबैक में भी क्या हो रहा है, आपने जितना कॉइन वहां पे रखा उसका 36 गुना, सॉरी 36 महीने में जो डिवाइड होकर आ रहा है तो उस हिसाब से आएगा, ये चीज को समझना है। उसी तरह हमारा जो अभी फार्म में कॉइन लोड कर रहे तो हमें फार्म का पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन कॉइन के लिए पैसा कम लग रहा है। जैसे अभी 11 लाख का एक कॉइन का फार्म लेंगे हम, तो उसमें कॉइन अभी आज अगर कॉइन का रेट जो डाउन होने की वजह से हमको कम पैसा लग रहा है, ये चीज को आपको समझना है। तो उसी हिसाब से अगर बात करेंगे, सॉरी इस हिसाब से हम अगर बात करेंगे तो दोनों तरफ से हमें अभी कॉइन का मार्केट डाउन होने की वजह से बेनिफिट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, अभी मार्केट जब डाउन होता है, पूरी दुनिया को पता है जब मार्केट डाउन होता है तब तो उसमें एंट्री करना चाहिए, ना कि मार्केट अप होने के बाद। अगर आप सोचेंगे कॉइन का रेट 11,000 डॉलर या 15,000 डॉलर या फिर 20,000 डॉलर बनेगा हम एंट्री करेंगे, जो गलतियां लास्ट टाइम लोगों ने किए 1 लाख डॉलर पे, अभी रो रहे 1 लाख डॉलर पे परचेस किया 50,000 डॉलर पे, लेकिन जब 5,000 डॉलर पे था तो आप कहाँ थे, जब 10,000 डॉलर पे था कॉइन तो तब कहाँ थे। तो ये चीज का आपको समझना है। आज भी अगर कंपनी उसकी स्वैपिंग का पार्ट दे रही है तो जो लोगों ने सही में अगर 5,000 डॉलर पे कॉइन लिया, जो लोगों ने 2,000 डॉलर पे कॉइन लिया, जो लोगों ने 3-4 हज़ार डॉलर पे कॉइन लिया, वो लोग आज भी प्रॉफिट में, क्योंकि उनका कॉइन का 5 कॉइन 6 कॉइन बन चुका है और उसको भी 20,000 डॉलर से काउंटिंग किया जा रहा है, तो वो लोग नुकसान में आज भी नहीं है। लेकिन ज्यादा नुकसान किसको दिख रहा है, जिसने 50,000 डॉलर 1 लाख डॉलर नुकसान बोले तो उनको फायदा कम मिलने वाला है, नुकसान बोले तो ऐसा नहीं कि उनका घर से पैसा जा रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट कम होगा। लेकिन जो लोगों ने शुरू शुरू में या लास्ट लास्ट में जब कॉइन का रेट कम हुआ वो टाइम पे अगर किसी ने परचेस किया है, या जब शुरू में कॉइन का रेट 5,000 8,000 7,000 डॉलर या 10,000 डॉलर पे लिया था, वो लोगों की अगर बात करेंगे तो उन्होंने एक तो शुरू में पैसा भी निकाला और जब लास्ट में 5-6 महीने का उनका कॉइन बचा हुआ है तो उसको भी उनको मल्टीपाई होने का मौका मिल रहा है, ये भी 20,000 डॉलर में। तो ये चीज को आपको समझना है, जो क्या होता है मतलब जो चीज अगर अपने आंखों के सामने हो चुकी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखते हुए आगे के काम कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर बात करेंगे, जैसे आरटी में शुरू में लोगों ने पैसा लगाया, उनको मैंने बोला था वो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा 2-3 महीने के अंदर, वो लोगों ने सही में पैसा बनाया, 1 लाख 1.5 लाख का फार्म लिया, उसमें कॉइन लोड किया तो उन्होंने 1 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये ऑलरेडी पैसा बाहर निकाला है। तो उसी तरह आज के डेट में अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा फार्मिंग का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे हम जो भी अभी बेसिक है, क्योंकि कंपनी का कॉइन 10,000 डॉलर से लास्ट स्टार्टअप हुआ है और आज भी वो 10,000 डॉलर के आगे पीछे चल रहा है, तो यानी स्टार्टअप है। जैसे हम 5,000 डॉलर पे कॉइन परचेस किया था अल्टीमा का, उसी तरह आज 10,000 डॉलर के आज वो जो अगर कॉइन का रेट चल रहा है तो स्टार्टअप है, यानी शुरुआत ही है, उसमें तो 100% बढ़ना ही है, ये चीज को आपको समझना है। तो अभी कॉइन का भी अगर बात करें तो एक बेसिक पार्ट चल रहा है और फार्मिंग का भी बात करें तो बेसिक चल रहा है, क्योंकि सर ने बोला है जैसा कॉइन का रेट बढ़ेगा वैसा फार्मिंग का क्या होगा, जो भी कैपेसिटी वो कम होता जाएगा, ये चीज को समझना है। तो दोनों तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे नुकसान ही नुकसान होने वाला है आने वाले समय में अगर आप इंतजार करते बैठेंगे तो। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो फार्मिंग ये हमारा वर्ल्ड का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, पहला ऐसा एक प्रोडक्ट है ये दुनिया से अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों तरफ से पैसा बढ़ा रहे हैं। ठीक, अभी आपको थोड़ा सा नाराजगी है लोगों की मार्केट में, क्योंकि अपने जो पहले पुराने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए प्लस माइनस जो हुआ है उसके वजह से, लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, का कुछ गलतियां कंपनी की भी थी क्योंकि वो स्टार्टअप में था, उसके बाद कुछ गलतियां लीडर की थी, कुछ गलतियां मार्केट की थी, लेकिन इसको सबको सामने रखते हुए अभी कंपनी ये स्टार्टअप कर चुके हैं, तो यहाँ पे छोटी से छोटी गलती भी यहाँ पे नहीं होने वाली। इसके वजह से यहाँ पे हमको 10 टाइम तो कॉइन मिलने वाला है, या जो लोगों ने अभी कल तक रखा उसके लिए आज जो लोग रखेंगे उसको 9.9 के हिसाब से कॉइन तो मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी बात क्या है, कॉइन ज्यादा मिलेगा, भले समय ज्यादा जा रहा है लेकिन कॉइन ज्यादा मिल रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉइन का रेट ग्रो होते हुए आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कॉइन की क्वांटिटी कम रहेगी मार्केट में, कॉइन की यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे जगह कंपनी ऑलरेडी ओपन कर चुकी है, और यही कारण, और सबसे बड़ी बात सप्लाई रोका है, वो एक ने सप्लाई रोक रोक के आगे जा रहा है, ये तो पूरा ऑल मैक्सिमम सप्लाई की अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा नहीं आने वाला, ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा है अल्टीमा टोटल सप्लाई होता 15 लाख, आज आप हम देख सकते हैं 15 लाख भी नहीं हुआ, लेकिन आज आप यहाँ बात करेंगे हम तो यहाँ पे टोटल सप्लाई कितना होने वाला है 10 लाख, ये चीज को आपको समझना है। और सबसे बड़ी बात वो एक साथ होने वाला है का
उसके लिए 5 साल लगेंगे या उससे भी ज्यादा लगेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे क्वाइन सिर्फ फार्मिंग के लिए यूटिलाइज नहीं होने वाला है, ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड के ऊपर जो भी हम लोड करके बेनिफिट ले सकते हैं, अपना जो 100% हमारा जो कैशबैक प्रोग्राम है वो 100% अल्टिमा के ऊपर चलने वाला है, अल्टिमा टोकन के ऊपर चलने वाला है, क्योंकि अल्टिमा टोकन ही वहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है अपना वाउचर परचेस करने के लिए। इस चीज को आपको समझना है। तो इसके वजह से क्या होगा का यहाँ पे डिमांड हमेशा कंपनी आके अभी पहले से डिमांड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मार्केट में लेके आ चुके हैं, और स्टार्टअप हो चुके हैं, आने वाला नहीं है। जब हम पुराने जो भी सिस्टम में काम कर रहे थे वहाँ पे सब चीज़ें आने वाली आ रही है, ये बातें कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में ये सब चीज़ें मार्केट में और भी काम कर रही है। ये चीज़ को आपको समझना है। सिर्फ हमारा स्मार्ट कॉइन का वॉलेट जो है, जैसा भी हमारा मार्केट में अभी वॉलेट आ जाएगा, एक हफ्ते के जो भी कंपनी बात किया है, जैसा लगभग एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पे वॉलेट आ रहा है। अभी अलेक्स सर आपने ऑडियो नहीं आ रही, अलेक्स सर का मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब काम बंद नहीं है। इसके ऊपर बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हुए अलेक्स सर थोड़ा सा ट्रैवलिंग में काम कर रहे हैं, इधर उधर का उनका ट्रैवलिंग भी चल रहा है उसके वजह से, और पूरा उनका जो ध्यान है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने जो सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि उनको पता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, उसको जितना जल्दी हो सकते हैं हम मार्केट में लेके आएंगे तो हमारा बिजनेस हमारा काम अच्छे तरह से काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके वजह से अभी और 1-2 दिन के लिए सर और बिजी रहने वाले, उसके बाद फिर वापस अपने बीच में सर आएंगे और सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आएंगे हमारा वॉलेट की और बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसा जैसा इंडिया के लिए बहुत सारे सिस्टम अपडेट कर रही कंपनी, वो भी आपको देखने को मिलेगी, वॉलेट देखने को मिलेगा। जिस दिन अपना वॉलेट मार्केट में आ जाएगा उस दिन से हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके और हमारे हाथ में नहीं रहेगा, सिस्टम इतनी बड़ी आगे निकल जाएगी कि हम खाली सोचते रहेंगे, और उस टाइम पे हम पछताने के सिवा अपने पास कुछ नहीं रहेगा, सबके लिए पछताव करने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ ये देखेंगे अरे हमने तो स्मार्ट कॉइन तो इतने इतने में रेट में देखा था, हमने तो अल्टिमा इतने रेट में देखा था, हमने तो क्लासिक इतने रेट में देखा था, ये दिमाग में अपने वहाँ पे खाली चक्कर चलेंगे। लेकिन आज अगर हम देख रहे बार बार आपको समझा रहे कि हम छोटी से छोटी अभी जैसा कोई 5.5 लाख का फार्म ले रहा है और उसने 5.5 लाख का फार्म के हिसाब से अगर 100 कॉइन अगर मार्केट से उठा के वहाँ पे अगर अपलोड कर दिया तो उसका 20 करोड़ का प्रॉपर्टी, 20 करोड़ तक का प्रॉपर्टी वो बना सकता है आने वाले 5 साल तक। ये छोटी बात नहीं है, ये चीज़ को आपको समझना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर समझ में आएंगी तो आपको पता चलेगा ये प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांगनेस के हिसाब से आगे काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो भी लेके आ चुके है उसको 7 साल का अनुभव के हिसाब से कर रही है। 7 साल से जो भी तकलीफें हुई है, हर दिन कंपनी के सामने चैलेंज था, आपने देखा है बहुत सारे लोगों का कॉइन चोरी हो रहे थे, वॉलेट की तकलीफें हो रही थी, वो सब चीजें, वेबसाइट की तकलीफ हो रही थी, हर चीज की बात करें, हम ऐसा नहीं बोल रहे खाली मार्केट की बात करें, रेट अपडाउन की बात करें, सब चीज की बात करते हैं, हर जगह पे कंपनी को दिक्कत आ रही थी। जैसा कंपनी अपना कार्ड जो लेके आई थी, कार्ड की बात करते हैं जो आज भी मार्केट चल रहा है, लेकिन मेरा कार्ड आपने देखा है जैसा है मेटल का कार्ड है, लेकिन कुछ जगह पे वो मेटल का कार्ड का भी दिक्कत आ रही थी, इसके वजह से अपना कंपनी फिर वापस प्लास्टिक का कार्ड लेके आई। वो कार्ड नया लेकर आने का मतलब क्या है, प्लास्टिक कार्ड चाहिए था, कुछ जगह पे अपने उसको दिक्कत होने लगी थी, वो सब चीज की बात करें, हर छोटी छोटी चीज की बात करें, तो हर जगह पे जहां जहां कंपनी को अपनी तकलीफ हुई है वो हर तकलीफ को कंपनी क्या किया है यहाँ पे निपट लिया है, और इसके बाद ये कंपनी मार्केट में काम करना स्टार्ट कर चुकी है। और इतना साल 7 साल देने के बाद, इतना निगेटिविटी मार्केट में होने के बावजूद, और इतना मार्केट में सब लोग पैनिक होने के बावजूद, अगर अलेक्स सर अपने बिजनेस में खड़े है और सिस्टम के साथ काम करे, और सबसे बड़ी बात इतने अच्छे लेवल पे उन्होंने पूरे सिस्टम को वापस रन कर चुके, अभी उनका काम उन्होंने कर दिया है, अभी हम लोगों का काम है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, अलेक्स सर अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, हमें सिस्टम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सिस्टम के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, हम अगर सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे लोगों को उसको अगर समझाएंगे तो आने वाला भविष्य हमारा है, ये चीज को समझना है। क्योंकि यहाँ पे आर्थिक आजादी के हिसाब से जो काम होने वाला है, हम काम करें नहीं करें तो हम हमारे लिए रुकेंगे, कंपनी रुकने वाली नहीं। अलेक्स सर अगर बार बार आपको समझाएंगे नहीं समझेंगे तो नए सिस्टम के साथ नए लोग उनके साथ काम करना स्टार्ट कर चुके, कंट्री 130 से 140 कंट्री नहीं है, 200 प्लस कंट्री मार्केट ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में है, उनके पास अभी भी कोई कंट्री है कि जहाँ पे अभी काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे वो काम हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा काम है, जुनून काम है, कंपनी काम करना स्टार्ट कर चुके, तो उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। तो इसके लिए मैं बार बार बताऊंगा, हम है या हमारे, अगर बात करें इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे 6-7 लाख लोग सिर्फ अपने इंडिया से यहाँ पे जुड़ चुके हैं अभी तक, लेकिन आज अगर बात करेंगे अपने इंडिया लगभग 140 करोड़ लोग यहाँ पे, तो 6-7 लाख कुछ भी नहीं है, तो कोई ना कोई उनको साथ काम करना स्टार्ट करेगा, कोई ना कोई वहां से काम करना स्टार्ट करेगा, तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। तो इसके वजह से मैं इतना ही बोलूंगा, सिस्टम को समझो, अगर सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उसको समझने का कोशिश करो, लेकिन हम कुछ करेंगे। सर ने बोला है मैं अकेला आगे लेके नहीं जा सकता,
या आप लोग अगर ये बैठेंगे कि मैं सोफे पे बैठूंगा और ऑटोमेटिक सिस्टम काम करना स्टार्ट करेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। हम सबको काम करना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और आपने जो भविष्य के हिसाब से जो कंपनी के जो अपना इतना बड़ा सिस्टम हमारे लोगों के बीच में लेके आए, तो उसको सिस्टम को अगर समझेंगे तो दुनिया में इसके जैसा सिस्टम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से, एज ए पैसिव इनकम एज ए एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम की सर आप समझ सकते हैं कितना अच्छे लेवल कंपनी इनकम यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, जो हम लोग आज तक 7 साल का कंपनी का रिकॉर्ड है, किसी का सिंगल 1 रुपए भी अपना पे आउट में कंपनी रुकाया नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का मिंटिंग कंपनी की तरफ से रुका नहीं है, ये चीज को समझना है, किसी का नहीं। आज एक सिंगल व्यक्ति ऐसा बोलना चाहिए कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना और मुझे कॉइन नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ, सब आपको मिल रहा है। इस चीज को आपको सबको समझना है, इस चीज को आपको समझना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक समझने वाली की बात है, इस सिस्टम को हर जगह पे कंपनी ने अपने हिसाब से अपडेट कर चुका है, सिर्फ एक ही पार्ट था मार्केट का, जहाँ पे ऊपर नीचे होने के कारण बहुत सारे पैनिक लोग हुए, तो उसके लिए भी कंपनी अभी ऑप्शन लेके आ चुके है, उसको लंबे समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके सबको मिलेगा, भले प्रॉफिट कम होगा लेकिन सबको मिलेगा, इस चीज को समझना है। इसीलिए कंपनी ने जो अपना कैशबैक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, साथ साथ अपना फार्मिंग के लिए अपने लोगों के लिए और स्टार्टअप किया है, कुछ समय के लिए फार्मिंग चलेगा, उसके बाद फार्मिंग प्लेटफॉर्म जो कंपनी का क्लोज होगा, क्योंकि 10 लाख की कॉइन यहाँ पे कंपनी को पूरे अपने प्लेटफॉर्म के लिए रेडी करना है, इससे ज्यादा कॉइन मार्केट में नहीं लेके आना है, ताकि उसका रेट कभी ना गिरे और उसके लिए हमेशा 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 लोग प्रॉफिट जनरेट करके आगे बढ़े। तो इसी के साथ मेरे पास जो भी आपके पास अपडेट था वो अपडेट मैंने दे चुका हूँ, बहुत कम लोग होने के कारण और भी कुछ मेरे पास अपडेट था लेकिन मैं आप देना चाहता था, लेकिन अभी आज के लिए मैं थोड़ा सा अपडेट दिया और यहाँ पे हम रुकते हैं। कल के डेट में फिर वापस हम मिलेंगे, जो 8 बजे का हमारा मीटिंग है। लीडर्स लोगों को इतना ही मैं बता रहा हूँ, अगर आपके टीम से किसी का भी अगर समस्या है, आपके टीम से अगर किसी का भी अगर सवाल है, तो सिर्फ लीडर को वहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा, बाकी अदर लोग अगर वहाँ पे हैंडल करेंगे तो उसको कोई मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मेरा नंबर भी आप बता सकते हैं, जो भी आपका सवाल रहेगा उसका मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगा, या टॉप लीडर जो भी रहेंगे उनके पास आपका सवाल अगर रहेगा तो वहां तक आपको जाना है, ताकि हम सबको यहाँ पे उस सवाल का जवाब भी दे सके और सबको उसका बेनिफिट हो। तो इस चीज को आपको समझना है, कल का मीटिंग का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें जो हम सवाल जवाब करेंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टॉप लीडर्स रहेंगे, उनको यहाँ पे सवाल पूछने का मौका देंगे, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आशीष वानखड़े सर है, 2 मिनट उनको बोलने का मौका दे दे, जो भी मैसेज है उनकी तरफ से। यस सर, सर आपका ऑडियो नहीं दिख रहा है शायद। आशीष वानखड़े सर, ओके, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। यस सर, आशीष सर आप अनम्यूट किया है, फिर वापस आपको। सर हो सके तो मेरा अगर वीडियो ऑन होता होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि आज वर्धा में लगभग 80-90 लोगों का और लोग हाथ में है। वीडियो का नहीं आ रहा है सर आपका, क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। अच्छा, तो किसी और का सुनो ना, किसी और का मोबाइल में अगर लॉगिन होगा वहाँ पे तो उस हिसाब से मुझे हैंडल करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तो आज से आप सर उबेद 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 पटेल के नाम से है, वो अली सर का है, तो आप उसमें अनम्यूट कीजिए या उसको वीडियो ऑन कर दीजिए। कर दिया मैंने, उनको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू, थैंक यू सर। एक मिनट, सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहे सर। हेलो, आ रहे हैं? ओके सर, थैंक यू। वीडियो शायद डिसेबल है सर। मैं सभी लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे एलेक्स सर ने परसों के दिन मीटिंग लिया है और सारे लोगों को जो मैसेज दिया है, दोस्तों जैसे मुझे आज भी याद है 14 दिसंबर 2021 को जब अल्टीमा लॉन्च किया गया था PLCU, उस वक्त बहुत सारे लीडर लोगों ने जो PLC से निगेटिव थे वो लोग रुक चुके थे, लगभग उन्होंने 2-3 महीना काम ही नहीं किया, और उसके बाद 4 महीने के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि उनको न चाहते हुए भी काम करना पड़ा। तो मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ कि अभी जो लोग थोड़ा सा निगेटिव जोन में है या नेगेटिव लीडर लोगों के साथ में है, बहुत सारे लोग 2-4 कंपनियां घूम के भी आए हैं, तो मैं उनसे इतने ही विनती करता हूँ दोस्तों, अभी ये समय है, राइट समय है, क्योंकि कल से ही फार्मिंग और कैशबैक
फार्मिंग शुरू हुआ है और आज तो एंड भी होने जा रहा है और कल और एक नया सिस्टम आपके सामने आ रहा है। जैसे फार्मिंग जो है ऑलरेडी फार्मिंग की ग्रोथ कम हो चुकी है, तो मैं मेरी तरफ से आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो आपने 2021 में चांस खोया है वो 2023 में फिर से आपको एक बार चांस मिला है। ये चांस को अगर आप मिस करेंगे तो फिर से ये चांस दोबारा आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था 14 दिसंबर 2021 को बहुत सारे लोग निगेटिव थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर क्या होगा कैसे होगा, मगर उसके बाद क्या हुआ सर, लोग ऑटोमेटिक करोड़पति बन गए। अगर मैं मेरे बात बता दूं तो मेरे टीम से कम 150 से अधिक लोग करोड़पति बन गए विद इन 6 मंथ। और मेरा एक दावा है कि अभी अगर जो लोग काम करेंगे या अभी एलेक्स का अगर दामन छुएंगे तो यकीनन मानिए आने वाले 6 महीने में यहाँ पे मेरे टीम से कम 500 डायमंड हो सकते और करोड़पति भी हो सकते हैं, क्योंकि डायमंड इसका मतलब अब 5 करोड़ है। पहले डायमंड का मतलब 2.5 करोड़ था, अभी डायमंड का मतलब 5 करोड़ है, क्योंकि अब वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल टीम बढ़ रही है। तो मैं आपको इतनी ही मेरी तरफ से विनती करता हूं दोस्तों कि काम शुरू हो चुका है और यदि आप काम नहीं करेंगे और आप ऑलरेडी अल्टिमा में हैं तो हो सकता है 6 महीने के बाद आपका ही दोस्त आपको अल्टिमा का प्लान बता दे, आपका ही दोस्त आपको कैशबैक बता दे। तो इसलिए किसी को नजरअंदाज ना कीजिए, किसी को प्री जज मत कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं प्री जज के चक्कर में जाते हैं और आगे वाले को ये सारी चीजें नहीं बताते। और अगर हम किसी को भी प्री जज नहीं करेंगे और हमारा काम खाली लोगों को समझाना है बताना है, अगर वो कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चांस पे हम डांस कर सकते हैं और यकीनन हमारे जितने भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। यदि वीडियो शुरू होता है तो आप देखिए, मैं आपको लाइव पूरे लीडर्स लोग बताना चाहता हूँ एडमिन, और मेरे साथ में अली भाई भी है जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि अली भाई और डॉक्टर सुनील पाटिल जो यहाँ से आए हैं, तो दोनों ने आज बहुत अच्छा मीटिंग लिया है। तो मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ अली सर को। सर प्लीज। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को पहले ये देखने दो कि मेरे को कितने लोग सुन रहे हैं। 143 मतलब आई लव यू। हेलो सभी लोग देखो आई लव यू होता है, अभी 144 हो गए, कौन बढ़ गया पता नहीं मेरा प्यार देख के। हेलो, तो बोलने का मतलब ये है कि आशीष सर ने जो अभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, हमारा कल यवतमाल में मीटिंग होगा, आज हमारा वर्धा में मीटिंग होगा, बहुत सारे लीडर है सुन रहे आज, समझ जाओ। क्योंकि मैं जिस चीज के लिए मैं तरस रहा था प्लैटिन डील के लिए, उसका नाम पहले प्लैटिन डील था, आज कैशबैक के नाम से जाना जा रहा है। ये मैंने सवाल अलेक्स सर को जो पूछा था 16 अक्टूबर 2020 की बात है, जब अल्टिमा में हम लोग आके सिर्फ कुल मात्र 6 महीना हो गए थे, पीएलसी में थे हम लोग, और हम लोग तब ब्लू डायमंड बन के पहली बार हम जब अलेक्स सर को मिलने गए थे दुबई में, तब उन्होंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जैसा आज के तारीख में अगर मोबाइल लेने के बाद अमेजोन और फेसबुक अल्टीमेट आता है, वैसा 2025 में हम लोग अल्टीमेट जैसा भी मोबाइल कोई दुनिया में लेता है तो उसके अंदर हमारा पोर्टल आ जाएगा। उस सवाल का जवाब हमें आज मिल चुका है 100% कैशबैक के माध्यम से, और उसके बाद हमको अल्टीमा टोकन के माध्यम से, और अभी कंपनी का जो एक्सचेंजर आ रहा है, कंपनी का वैलेट आ रहा है, कंपनी का डेबिट कार्ड आ रहा है, सभी चीजों का हमें आंसर मिल चुका है। इसके लिए हमने आज के तारीख में हमने काम चालू कर चुके हैं, और आज तकरीबन हम लोग 20-25 लोग है जो आज हम लोग बैठ के वर्धा में थोड़ा सा साथ में बैठ के हम लोग पार्टी भी कर रहे हैं, और कल हमारा संडे है, कल हमारा यवतमाल में बहुत बड़ा मीटिंग है। तो दोस्तों जितने भी लीडर हमें सुन रहे हैं, आशीष सर ने जैसा बताया कि कुछ लोग आए कुछ लोग चले गए फिर वापिस आए, तो मेरा दावा है, मेरा एक महत्वाकांक्षी इंसान हूँ, एक सपना देखने वाला इंसान हूँ, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई गलती ना करे। मैं इसके पहले भी 2-3 बार बात कर चुका हूँ कि गलती ना करे कोई प्रोजेक्ट में जाके, मतलब अपना खुद का इमेज मत खराब करिए, इमेज सबसे जरूरी होता है, पैसा जरूरी नहीं होता, इमेज जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी वाकई में हमारी शुरुआत हो चुकी है, आने वाला ये जुलाई महीना चल रहा है, अगला महीना अगस्त है, सितंबर है, और अक्टूबर में दिवाली का बात है, अक्टूबर में एंडिंग अक्टूबर दिवाली के बाद जो नजारा दुनिया में पीएलसी का दिखेगा, अल्टीमा का दिखेगा, कैशबैक का दिखेगा, टोकन का दिखेगा, डेबिट कार्ड का दिखेगा, वैलेट का दिखेगा, उसके बाद अपना जो एक्सचेंज आ रहा है उसका जो दिखेगा, तब पछताने की नौबत आप न आए, आपके ऊपर ना आए। 143 लोग मतलब होता है 143 डॉक्टर साहब आई लव यू होता है, वो 143 लोग मुझे सुन रहे, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और अभी जूम मीटिंग में सभी लोगों को दावत दो, डेली के डेली मीटिंग में अपने लोगों की मतलब क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। अभी मेरे साथ में डॉक्टर सुनील पाटिल सर है, मेरे साथ में बहुत सारे लीडर अभी मौजूद है, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ सर,
अब काफी सारे लोग जो उंगलियों पर कर रहे हैं, कौन वेद है, सुरेश मोरियाना है, सुरेश मोरियाना सर को अभी समय देने का वक्त आ चुका है। सुरेश मोरियाना ये मेरा छोटा भाई है और राजस्थान से पूरे टीम को अंगार लगा रहा है, उस अंगार को अभी बुला, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। सुरेश मोरियाना सर आप आ जाइए। ओके थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उसके बाद मैं सुरेश मोरियाना सर को अनमोट कर रहा हूँ। यस कस करते मोट तुम्हें करा के माला। यस सर अनमोट किया सर आपको, सुरेश मोरियाना सर। हेलो, बहुत आवाज आ रही मेरी? आ रही सर, आ रही। सबसे पहले मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे पीएलसी प्लेटफॉर्म दिखाया, और आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो इन गुरुओं की वजह से ही कर रहा हूँ। और मेरा निवेदन यही है सबसे कि आज प्लेटिन वर्ल्ड पूरी दुनिया का एक ताकत है जो पूरे विश्व में एक नया प्रकाश सबको दिखाया कि क्रिप्टो करेंसी से हम आज कुछ भी परचेज कर सकते हैं। अभी अली पटेल दादा, जो हमारे दादा है, सब दादा बोलते हैं, तो प्लेटिन डील की बात चल रही थी, तो आज वो केस बैक के नाम से है, लेकिन पूरे विश्व का जो किंग है बाइनेंस, यदि बाइनेंस पे अपना वाउचर विड्रॉल हो रहा है, केस हो रहा है, तो इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं होगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आज कोई भी हो सर, मैं पूरी दुनिया जाए किधर भी जाए, लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से, मेरे गुरुओं की वजह से मैं आज खड़ा हूँ। मेरे घर में जो आज मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं अच्छी जगह खड़ा हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ। तो मैं लास्ट दम तक, मैंने मेरी जिंदगी में एक प्रण किया है कि जब तक पीएलसी और अलेक्सर है, जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं, लेकिन आज दिन तक पूरे विश्व में ऐसी कोई कंपनी नहीं आई, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि कंपनी का पैसा या कोई रेट गिरने के बाद वो कॉइन वापस लेता हो। पूरे विश्व में एक ही ऐसा इंसान है, एलेक्स रेनार्ड सर, जिन्होंने स्वैपिंग के माध्यम से पूरे पुराने कॉइन वापस लिए हैं। सर उन्होंने एक ही बात बोली है, तीन बातें बोली है एलेक्स सर ने, कि आपको पैसा कैसे कमाना है, प्लस कैसे बचाना है, और बचाए हुए पैसे को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो इन्होंने तीन चीजें बताई है कि आपको पैसे बचाने के लिए, सबसे पहले आपको पैसे कमाने के लिए मैंने फार्मिंग सिस्टम दे दिया है 5 साल के लिए, आप आराम से पैसा कमा सकते हो, और उसके बाद पैसा बचाने के लिए मैंने आपको स्वैपिंग सिस्टम दे दिया है जिसमें आप करोड़ों रुपए बचा सकते हो, करोड़ों रुपए बना सकते हो, लेकिन उसके बाद जो मल्टीप्लाई, यानी हम पैसे को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, यानी हम हमारे पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें दिया है। स्मार्ट कॉइन, यानी हमारे पैसे को हम करोड़ों में कैसे बदल सकते हैं, वो है स्मार्ट कॉइन, यानी पूरे विश्व का सबसे तेज गति से चलने वाला, यानी फास्ट गति से काम करने वाला ब्लॉकचेन, स्मार्ट ब्लॉकचेन जो हमारा है, और उसका जो स्मार्ट कॉइन है वो हमारा है। आज स्मार्ट कॉइन लेने का, यानी हमारे पुराने कॉइन को स्वैप करके स्मार्ट कॉइन लेने का हमारे पास में एक बहुत बड़ा रामबाण औषधि है। यदि हम आज इसको, हम इस स्मार्ट कॉइन को बचा के रखते हैं सर, ज्यादा नहीं, केवल 1 महीना 1.5 महीना भी रखा, तो आज जो जिस रेट से है ये 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में जाने वाला है। और मैं दिल से निवेदन करता हूँ मेरे परिवार को, क्योंकि ये मेरा एक परिवार है, और इस परिवार को मैं निवेदन करता हूँ कि आप अभी इस प्लेटफॉर्म को हल्का मत आंको। जो भी लोग गए कोई बात नहीं, वो भी हमारे परिवार के हैं, कोई परिवार परेशानी की वजह से गए हैं, लेकिन वो जल्दी हमारे बीच में लौटेंगे। लेकिन वो एक आदमी गया लेकिन 10 आदमी को लेके लौटेंगे, क्योंकि एलेक्स सर ने एक बात बोली थी कि एक पन्ने पे आप पीएलसी का नाम लिख लो और दूसरे साइड में आप 100 कंपनियों का नाम लिख लो, लेकिन 6 महीने बाद आपको हर कंपनी बंद होती हुई नजर आएगी, लेकिन पीएलसी आज के 7 साल पहले भी था और 7 साल बाद भी नजर आएगा और 70 साल बाद भी नजर आएगा। तो मैं मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे गुरुओं को नमन करता हूं कि आपने मुझे अच्छा सिस्टम दिया, और मैं तहे दिल से निवेदन करता हूं जो भी टॉप लीडर है, जैसे अभी दादा अली पटेल सर है, अश्विनी सर है, अनुदास चौधरी सर है, शकील सर है, हमारे इकबाल सर है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सारे लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, और थोड़ा सा हमें इस जो हमारे गुरु जो बोल रहे हैं
आज हमारे गुरुजी बालराव सर और राजेंद्र उपाध्याय सर आज दुबई में बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? केवल अपने लिए नहीं बैठे, पूरी टीम के लिए बैठे हैं, पूरे हमारे परिवार के लिए बैठे। तो सर ये केवल 3 महीना, एलेक्स सर का आज दिन तक का रिकॉर्ड है, जो भी प्लेटफॉर्म आया 3 महीने में वो बूम करता है, रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। और इसी का आज 100% कैशबैक और 20% डिस्काउंट। सर हमारे दादाजी ने जो चीजें खरीदी, पिताजी ने जो चीजें खरीदी, हमने जो चीजें खरीदी, आज दिन तक हमें पैसा रिफंड नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक सर्वे करवाया कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्या सिस्टम है जिससे हमें पैसा वापस मिल सकता है। तो उन्होंने चालू किया 100% कैशबैक। सर आज इसके माध्यम से हम कार खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, हमारे घर का सामान, बच्चों की फीस, राशन कुछ भी खरीद सकते हैं, पेट्रोल। तो हमें पैसा भी मिलेगा प्लस 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ में स्वैपिंग स्टार्ट कर दिया। तीसरा, 5 साल के लिए फार्मिंग आ चुका है। सर यदि कोई आदमी 5 साल के लिए फार्मिंग लेके आया है, इसका मतलब उसका विजन कितना बड़ा हो सकता है। सर आने वाले टाइम ही 3 महीने 4 महीने में बताएगा, और हमारे गुरु लोग बताएंगे, हमारे टॉप लीडर बताएंगे। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही बोलूंगा कि जो भी लोग अभी कुछ जगह जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी विकट परिस्थितियों के हिसाब से आप जा रहे होंगे, लेकिन आने वाला टाइम प्लेटिन वर्ल्ड का है। पूरे दुनिया में एलन मस्क की जगह लेने वाला एलेक्स रेनाल्ड सर होंगे, और जिस दिन एलन मस्क की जगह एलेक्स रेनाल्ड सर होंगे, उस दिन ये पूरा पीएलसी परिवार कहाँ होगा, आप खुद समझते हो। तो इसके लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। और मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ कि आपकी वजह से, इन टॉप लीडर की वजह से मैं आज इस दुनिया में खड़ा हूँ। नहीं तो मेरी औकात तो केवल 5-5.5 रुपए का डोना पतल बेचने का थी, यानी कि ड्रोन पतलावली बेचने का था। मेरा कोई औकात नहीं था कि मैं 4-व्हीलर में घूमू, मेरे पास में कोई आदमी खड़ा नहीं रहता था, मेरे से कोई बात नहीं करता था, मेरे पास कीपैड मोबाइल था, 11,000 रुपए नहीं थे, मेरे पास मकान नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो भी मैं हूँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि जो भी लोग इस परिवार में हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उनके लिए हम रात दिन खड़े हैं, 24 घंटे, रात की 12 बजे भी कॉल करेगा कोई भी आदमी तो हम उनको पीएलसी परिवार की ओर से हम उनके लिए खड़े हैं। कोई भी समस्या है उनके लिए हम खड़े हैं। तो मेरे गुरुओं को नमन करता हूँ, एलेक्स सर को नमन करता हूँ, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने कहा। शायद कार भी लिया आपने टीम में किसी ने, 100%। यस सर, यस सर। और अभी 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 कल एक कार और ले रहे हैं सर, मंडे को हमारे एक राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी है, जीएसटी अधिकारी रामनिवास जी मातवा, जो जीएसटी के अधिकारी है, सेलटेक्स अफसर है, और वो क्रेटा गाड़ी खरीद रहे हैं अपने इसकी वजह से। प्लस हमारे दो सर अभी एक हमारे अमेरिकन बैंक के एक मैनेजर है, खालिद सर और बंटू सर, उन्होंने कीलर के यानी कीलर के शोरूम से, अभी मैं फोटो डाल रहा हूँ जस्ट ग्रुप में, यानी आज उन्होंने कीलर के शोरूम से अल्टीमा का जो पहला पेमेंट आया, उन्होंने कपड़े खरीदे केवल 8-10 हजार के। ये इसकी ताकत है सर। यस सर, यस यस, थैंक यू। अल्टीमा की ताकत सब लोगों को पता है, लेकिन थोड़े से थोड़े भूल गए अभी। अभी ये लोग अभी 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 जैसे अपने बात में जो छोड़ी है कि अपने शॉपिंग के माध्यम से, सब कॉइन के माध्यम से एलेक्स ने सबको पैसा बनाने का मौका दे रहे सब करके। जैसे हमने अभी इंडिया की बात करेंगे, सितंबर तक अपना 2000 का नोट अभी दे के हम स्वैप करके 2000 के नए नोट ले रहे हैं, जो चेंज करके नए लौट रहे। अभी अगर कोई बोलेगा मुझे 2000 का नोट चेंज ही नहीं करना है, वो कागज बन जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। सेम पोजिशन अगर यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मैं स्वैपिंग नहीं करूंगा, उसके लिए वो जीरो हो जाएगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सही ढंग से अगर सिस्टम के साथ चलेंगे, 100% सबको पैसा मिलेगा, इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। अभी 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 सर मैं ना, मेरे जो अमेरिकन बैंक यानी इंडिया में कुछ ही मैनेजर है ऐसे पूरे इंडिया में, यानी अमेरिकन बैंक के मैनेजर गिने चुने मैनेजर है, उनके साथ में बैठा हूँ, और मैं उनको बात बोल रहा था कि आज के 4 साल पहले मुझे बालराव सर और राजेंद्र उपाध्याय सर ने बोला था कि सर एक दिन मैं दुबई रहूंगा और तुम केवल चाय पीने के लिए आओगे। तो मैं अभी यही बोल रहा था कि केवल मैं सर चाय पीने के लिए दुबई जा रहा हूँ, और वो अभी मैं, ये मेरा सपना है कि चाय पीने के लिए यदि कोई आदमी एक थैले पे जाता, मैं पहले थैले पे चाय पीता था, लेकिन अभी मैं चाय पीने के लिए दुबई जाऊंगा, और वो भी अलग ये अपने भारत के अलग सर हैं, अपने उपाध्याय सर, वो बुर्ज खलीफा में रहते हैं। सर हमने बुर्ज खलीफा केवल फोटो में देखा, लेकिन हमारा अवभाग्य है, सौभाग्य है कि आपने वहाँ पे अपने फ्लैट लिए और हम सबको वहाँ पे खाना खिलाया, और पूरे इंडिया का अपनी टीम से कोई भी आदमी जाता है उन सबके लिए बुर्ज खलीफा खुला रहता है। लोग केवल देखने के लिए 8,000 उनका एक टिकट लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन हमने
दादा हमारे अली दादा, और हमने वहां पे पार्टी भी की है। तो मैं आपको क्या बोलूं सर, मेरे शब्द भी नहीं है मेरे पास में इतने की आज हम उस लेवल से वहां पे पहुंचे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है और हम जल्दी ही हमारे गुरु से मिलने के लिए हम केवल चाय पीने के लिए दुबई जाए। ये बात हमारे 4 साल पहले तब आल्टी में भी नहीं था। यस 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 सर, यस सर, ये 4 साल पहले अगर मैंने बोला है, आने वाले एक साल में, आने वाले एक साल की बात करता हूं, 2024 एंड से पहले 50+ लोगों का बुश किलोमीटर फ्लैट रहेगा हमारे ग्रुप से। ये मेरा वादा है सबसे, इतना पैसा इस प्लेटफॉर्म से हम बनाएंगे, इस प्लेटफॉर्म से इतना पैसा सब लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं का। लेकिन उसमें से कम 50+ लोग ऐसे रहेंगे जो खुद होके यहाँ पे बुश खलीफा में फ्लैट लेने के लिए आएंगे। ये मैं आपको बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आप। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया सब लोगों को। उसके बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से आज बहुत लेट हो चुका है, हम मीटिंग के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अश्विन जी, यहाँ पे हम बाबा साहब मुंडे सर को एक सुनते हैं 2 मिनट के लिए, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। मुंडे सर, आपको अनम्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना मैसेज दे सकते तब तक। थैंक यू सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं डॉक्टर मुंडे पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और 2020 से मैं ये प्लैटिनम सिस्टम में हूँ। मैंने बहुत बार बोला है कि जैसे भी मैंने एंट्री किया है, ना मैंने कभी किसी के बारे में निगेटिव बात की, ना मैं सीनियर के बारे में कभी कंप्लेन किया। मेरे सीनियर 3 महीने के बाद मुझे छोड़कर चले गए थे, तभी से मैं अपना जैसा भी जमता है, जैसा भी कोशिश करता हूँ, मीटिंग में आता हूँ, सीनियर के साथ में बात करता हूँ। बहुत सारे सीनियर से अपने टीम के है, बहुत सारे पैरेलल टीम के भी है, सब लोगों के साथ मिलकर उनकी बातें सुनकर हम सीखते हैं और आगे चलकर काम कर रहे हैं। और ये जो आज मौका मिला है मुझे, वो जूम की वजह से मिला है और मेरी टीम की वजह से मिला है, मेरे सीनियर की वजह से मिला है, सर उपाध्याय सर आपकी वजह से मिला है। एक्चुअली आज और कल जिस दिन से भी ये मीटिंग चल रहा है, डे बाय डे अच्छा हमें जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसकी वजह से हौसला तो बढ़ रहा है। और आपने बात किया कि बहुत सारे कम लोग आ रहे हैं, सर लोगों को ये अभी तक रिजल्ट नहीं दिखाई दिया है। जैसे जैसा रिजल्ट दिखाई देंगे, मौर्य सर का उस दिन सुरेश मोराना सर ने पहले दिन जब शेयरिंग किया था कि हमारे टीम में एक गाड़ी लिया है, उसी दिन मुझे 2-3 लोगों के फोन आए थे मेरी टीम से कि सर ये कैसा सिस्टम है, कैशबैक कैसा है। तो मैंने बोला था शायद मोराना सर को आप फोन कर सकते हैं, उन्होंने किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी तक मतलब लोगों के मन में थोड़ा सा डर भी है और थोड़ा सा उत्साह भी है कि करे तो कैसा करे, और उसका किसी ने तो किया होता हम फॉलो करेंगे, ऐसा लोगों का एक मेंटेलिटी रहता है जो कॉमन मैन का मेंटेलिटी है, उसमें कोई गलत भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और अपने जो बात मतलब गहरे मन से समझाई है, समझाते रहते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है। अभी जो अलेक्स अपने अलेक्स सर ने बहुत मजे की बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो प्लैटिन डील है वो प्लैटिन डील अपनी कैशबैक रूप में आया है और बहुत दिन से लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे, और आप बहुत जोर से पहले से भी बोल रहे थे कि हमारा जो ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है तो प्लैटिन हीरो है, प्लैटिन डील है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आ जाएंगे, हो जाएगा। और तभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, सही मायने में कुछ भी समझ में, आप जो बोलते हैं ना प्लैटिन डील है, प्लैटिन हीरो है, कुछ किसी को भी कुछ नहीं समझ में आता, वो खाली शब्द समझ में आता है और इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। अभी एक 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 करके आज एकदम गुगली डाला आपने, जैसा आशीष वानखेड़े सर को बोलने के लिए अपने इनवाइट किया था तो वो सर ने शेयरिंग किया कि आज वो लाइव मीटिंग ले रहे हैं बहुत सारे लोगों के लीडर के साथ में, कल भी उनका मीटिंग चल रहा है अभी 70+ लीडर्स सर उनके साथ, सुबह 70+ लीडर्स। ये लोगों को सीखने की मतलब ये लोगों को एक आजमाने की जरूरत है कि ना ही खाली उपाध्याय सर वहां से मीटिंग ले रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स अपने अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, मोरेन सर ने उधर से काम चालू किया है, वो अभी जैसा जैसा उनके रिजल्ट्स अपने ग्रुप में आएंगे तैसा वो वैसा वैसा लोगों को ये एक मैसेज मिलेगा। और सर जैसा 1-2-3 महीने में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है और ये यूटिलिटी क्वाइन की वजह से होने वाला है, तो ये यूटिलिटी क्वाइन की वजह से सर बहुत अच्छा मतलब जिसको भी समझ में आए रेगुलर डॉक्टर साहब सिर्फ एक हफ्ता जैसे ही बोला आएगा ना हंगामा स्टार्ट हो जाएगा।
यस सर, जिसने भी मीटिंग अटेंड किया है, जिसने भी रेगुलरली अलेक्स सर का ऑडियो सुने है, अलेक्स सर की मीटिंग अटेंड किया है, वेबिनार सुने हैं, और देन का भी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो अपने लीडर्स बात करते हैं उनसे भी हम जब बात करते हैं एक दूसरे से, तो पता चलता है कि ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ जाते हैं। अली सर ने और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि अपना खुद का एक वजूद रहता है, अपनी खुद की एक इम्प्रेशन रहता है, अपना खुद का एक इमेज होता है, वो इमेज डैमेज मत करो और उसको छोटा मत बनाओ। कहीं भी घूमने का जरूरत नहीं, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, अगर जा रहे तो फिर वापस आने का नौबत ना आए, ऐसा काम करो। अगर इसके लिए कहीं जाओ ही मत, क्योंकि ये सिस्टम जाने के लिए है ही नहीं, हर एक को यहाँ पे समाने का काम उसमें करने वाले है। अलेक्स सर डे नाइट मेहनत कर रहे हैं और ऐसा बहुत अच्छा काम, जैसा किसी ने मतलब शेयरिंग किया है कि हमारी खेती में अपना गन्ना होता है और गन्ना का या टोमेटो होता है या कोई प्याज का उपज आता है, बहुत बड़ा बन जाता है तो उसका कीमत बहुत डाउन हो जाता है, तो खेत वाले जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म को आग लगा देते हैं क्योंकि उसको ट्रैवलिंग का खर्चा भी नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उसका गारंटी से कुछ रेट देके वो गन्ना खरीदते हैं। ऐसा ही अलेक्स सर ने किया है, बहुत सारे जो क्रिप्टो के सिस्टम्स मार्केट में है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, उनके रोज एक नया कंसेप्ट आता है, रोज एक नया कंसेप्ट डूब जाता है, और हमारे जो सो कॉल्ड ट्रेंड लीडर है जो उनको लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, वही शायद धोखा खाते है और वही लोगों को भी मतलब गुमराह करते हैं, जानबूझकर गुमराह करते नहीं लेकिन वो खुद गुमराह होते हैं और लोगों को ऐसा लगता है उनको कि मुझे बहुत आता है तो वो मेरे साथ में आए और वहां पे डूब जाते हैं, और ऐसे सिस्टम डे बाय डे डूब रहे हैं और ऐसे सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। जहां पे अलेक्स सर ने जो हमारा सिस्टम डूब रहा था, जो गन्ने की उपज बहुत बड़ी हो रही थी, लोग गन्ने की खेती को आग लगा रहे थे, ऐसे सिस्टम में गवर्नमेंट ने गारंटी से उनका गन्ना खरीदने का डिसीजन लिया और गारंटी से कुछ पैसा दे रहे हैं। ऐसा ही अलेक्स सर ने हमारा जो क्वाइन है वो पीएलसी हो, सी हो, एक्स हो, जो भी है पीएलसीयू हो, वो सब वापस लेके लोगों को स्मार्ट क्वाइन के जरिए, दो ही क्वाइन मार्केट में रख रहे हैं, एक है अपना स्मार्ट क्वाइन और दूसरा है अल्टीमा टोकन, ये दोनों दुनिया में राज करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे डट कर रहना चाहिए और जो भी सीनियर लीडर यहाँ पे काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको फॉलो करना चाहिए। हम इसमें निगेटिव बात ना करें, हम अगर यहाँ पे काम करना है करना है वो आगे की बात है, लेकिन ये चीज समझ के लेना चाहिए और फिर जाके समझ बूझ कर काम करना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने भी लोगों तो सही में आने वाला समय सब हम लोगों का रहेगा और वो समय ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड है और कल से अपने को ज्यादा ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आना, ये समझ रहे सब लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो मीटिंग करने के लिए अच्छा रहेगा, और सेकंड पार्ट ज्यादा लोगों के पास अगर अपना जो बात जाएगी तो बिजनेस मल्टीप्लाई होने के लिए मौका मिलेगा और सब लोगों को एक बार एक इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, सब लोगों को जो पैसिव इनकम के हिसाब से अगर इनकम जनरेट हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने पहले दौर देखा उसे कई गुना ज्यादा अभी देखने को मिलने वाला है, ये सच्चाई है। लेकिन हम जितना लेट करेंगे उतना हम सब लोग प्रॉफिट कम पाएंगे और हम जो पैसिव इनकम का हो या एक्टिव इनकम का हो, अगर हम जितना लेट करेंगे तो उसकी वजह से, लेकिन बाकी और जगह भी आपने देखा है, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े लेवल पे मीटिंग्स हो रही है, वो लोगों का कैशबैक प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, बाकी बहुत सारे जगह जो अपने पार्ट है वो सब जगह पे उनका ऑलरेडी जो भी बिजनेस डेवलपमेंट का बड़े लेवल पे काम स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग छोटे से कन्फ्यूजन में चल रहे हैं उसके वजह से हमें डिले हो रहा है। लेकिन अगर सही बात करें तो अगर हम सही ढंग से टोटली लीडर की बात करो, स्पेशली अभी जो बच्चे भी लगभग लीडर ही है, उनके लिए बोलता हूँ मैं कि स्पेशली अपने हिसाब से अपना काम स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपका काम बनेगा, ये चीज़ को आपको समझना है। सुरेश सर आप कुछ बोलना चाहते हैं शायद, मैं आपको अनम्यूट किया है सर। हाँ गुरुदेव, मैं ऐसा बोलना चाहता था कि अपना जो मीटिंग हुई थी अपना गोवा में आईटीसी ग्रांड में, और वहां पर दो लोगों को मैंने फ्लाइट से बुलाया था, उसमें एक अमेरिकन बैंक के मैनेजर थे और एक वसीम भाई थे, तो वो अमेरिकन बैंक के मैनेजर साहब मेरे पास बैठे हैं तो बोले कि मैं दो मिनट बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी एक पैकेज लिया था 100% कैश बैक में भी लिया है और अल्टीमा में भी लिया है, तो दो मिनट ये बात करना चाहते। मैंने बोला गुरु जी से बात करते, लो सर बात। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
सर मेरा नाम आबिद है और मैं आपसे गोवा में मिला था जब अपनी गोवा में सेमिनार हुई थी तब आपसे मैं दो तीन आईटीसी ग्रांड में जब हुई थी तो दो तीन बार अपन लोग की मुलाकात भी हुई थी और तब मैंने आपसे प्रभावित होके और सुरेश जी सर से प्रभावित होके उस टाइम भी पैकेज लिया था 1,10,000 रुपए का और अभी अल्टीमा भी मैंने पैकेज लिया और अभी कैशबैक वाला जो इन्होंने मुझे प्लान बताया उसमें मैंने 2,50,000 रुपए का पैकेज परचेज किया सर और दोनों ही टाइम पे मुझे इतना जबरदस्त रिटर्न प्राप्त हुआ है ना सर कि मतलब आई कैन नेवर एक्सप्लेन इन द वर्ड्स आई हैव रिसीव्ड आई एम एक्चुअली इफ आई गिव माय इंट्रोडक्शन आई एम मैनेजर इन द बैंक ऑफ अमेरिका एज अ सीनियर मैनेजर आई सेट इन द गुड़गांव एंड सुरेश जी सर से मेरी उस टाइम पे बंटू सर के थ्रू मुलाकात हुई थी अपने गोवा में तो सुरेश जी सर ने मुझे प्लान बताया मुझे अच्छा लगा एक्चुअली मैं खुद शेयर मार्केट में डील करता हूँ इक्विटीज में फिक्स इनकम बिजनेस में डील करता हूँ और इन सब चीजों का नॉलेज मुझे अच्छा है और पीएलसी से मैं इतना इम्प्रेस हुआ सर जिसने मुझे नहीं नहीं करते हुए इफ आई टॉक इन सिंपल टर्म्स अप्रोक्सीमेट 100% से ज्यादा रिटर्न मुझे दिया है और ये वाला जो मैंने प्लान परचेज किया है सर इसमें भी मैंने अभी कैशबैक लिया है और जैसा कि अभी सुरेश जी सर ने आपको बताया कि हमने अभी जस्ट फॉर नॉर्मल से एक शॉपिंग करी है किलर से तो वहां से भी हमने शॉपिंग करी प्लस इसी के थ्रू मैंने एक क्रेटा गाड़ी परचेज करी है सर लास्ट ईयर और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू टू सर वेरी थैंकफुल फॉर द बिजनेस एंड वेरी थैंकफुल फॉर द एलेक्स सर जिन्होंने इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करी और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ द थिंग्स सर बाकी मार्केट में जो अफवाहें रहती है जो नेगेटिव होते हैं उनके लिए ये चीज है कि सर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है चीज बहुत जबरदस्त है आप चीज में बने रहिए एंड इन द लास्ट आपको 100% बेनिफिट होके ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए सर बस सर यही आपसे बात करने की बहुत तमन्ना थी सर आपसे मिलने की भी बहुत इच्छा है नेक्स्ट टाइम होपफुली अपन शायद दुबई में मिले और आप अगर इंडिया हो तो सर बिल्कुल आप मिलना हमसे और बहुत जबरदस्त काम करेंगे सर मिलके यस सर सर थैंक यू सर थैंक यू बहुत अच्छा मैसेज रहा आपका सब लोगों को कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी बात आपका अनुभव सिस्टम के साथ जो था वो आपने शेयर किया वो सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहा थैंक यू सूरज जी आपने उनको बोलने का मौका भी दिया और साथ साथ उन्होंने अपने मैसेज पूरे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे मैसेज दिया तो थैंक यू सर वो क्या कि वो गोवा में है ना सर आपकी शक्ल इनको दिखी बोले यार तू उपाध्याय सर है मैंने बोला यही उपाध्याय सर है जो आज वहाँ पे बुर्ज खलीफा बोले यार मेरे को एक बार मौका दो बात तीन साल पहले की बात है लगभग ये तीन साल पहले सर तीन साल पहले और अपने बंटू सर है जिन्होंने वहाँ पे हमारे क्या वो डाला था ना अपने गिफ्ट उसमें मैं जीता था ड्रो में मैं निकला ये सर नहीं निकले थे ओके थैंक यू सर थैंक यू बहुत धन्यवाद ओके बहुत थैंक यू तो आप लोगों ने सामने ही देखा है जो तीन साल पहले की बात है आज फिर वापस तीन साल में उन्होंने क्या क्या पाया और सिस्टम कितनी मौजूद है उनके हिसाब से वो भी ऐसे नहीं कहना पड़े वो भी चीज को आपको समझना है इसके समझते हुए हम आज इस मीटिंग को मैसेज को लेते हुए आज यहाँ पे रुकते हैं कल फिर वापस मिलते हैं 8 बजे हमारे रेगुलर टाइम के तो सबके लिए